One Hello, 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 one, two, four, one, two, four. One minute. Hello, 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 hello. हेलो बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया मैं भी यहां पर मौज में बच्चों आज हम लोग करने वाले हैं दस दस नंबर के दो चैप्टर एक है हमारे पास मैं दिखा देता हूं आपको एक हम करने वाले हैं आज कोशिश जिससे दस नंबर का कंफर्म आता है और ये बहुत ही सिंपल है बहुत ज्यादा आसान एक डायरेक्ट एक्सपेंस टॉपिक जोड़ा है लेबर कॉस्टिंग के अंदर तो उसके दो क्वेश्चन है वो दो क्वेश्चन हमारे पास पहले से भी थे पर हमने इसको एक सेपरेट रख दिया ये एक दो तीन मिनट का ही सिर्फ क्वेश्चन है इसके अंदर और एक हम करने वाले हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो भी टेन मार्क्स का कन्फर्म है तो क्वेश्चनशीट और एबीसी ये तो दस दस नंबर के बिल्कुल कन्फर्म है आज हम इनको करने वाले हैं हमारे पास क्वेश्ची और एबीसी मेन आज चलने वाला है एक ये बताइए कि जो कल क्वेश्चन दिए थे क्या आप लोग क्वेश्चन करके आए हुए हैं या नहीं हाँ जी जो कल क्वेश्चन दिए थे क्या वो क्वेश्चन करके आए हुए हैं बच्चे सभी स्टैंडर्ड मार्जिनल दोनों हमारे खत्म हो चुके हैं अप्रोक्सीमेटली बीस मार्क्स की वेटेज है वो और उसमें हमने सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन दे दिए थे सारे कंसेप्ट उसके अंदर ए टू जेड कवर हो गए थे निखिल कह रहे हैं डन विद ऑल क्वेश्चन निखिल ने सारे क्वेश्चन करिए वेरी गुड आर्यन ददेजा पूछे हैं कि बूस्टर में और इस बूस्टर में क्वेश्चन में डिफरेंस है क्या बेटे हर बूस्टर में अलग अलग क्वेश्चन होते हैं उस अटेम्प्ट के हिसाब से जो किसी अटेम्प्ट में आ गए वो दोबारा रिपीट नहीं होते जो पिछले अटेम्प्ट में आ गए वो इस अटेम्प्ट में नहीं आते वासुदेव ने कर लिया है कृतिका ने कर लिया है गणेश ने कर लिया है केदार पवन अंकित राहुल और यश अंशु इसके बाद में मनोज कर चुके हैं तत्वर कर चुके हैं ब्रमेद कर चुके हैं कृति कर चुकी है आदित्य कर चुके हैं विशाल कर चुका है किशोरी कर चुका है और आपके पास में नमन कर चुके हैं ठीक है आदित्य पूछ रहे हैं स्टैंडर्ड में शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं एग्जाम में भी शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा और स्टडी मॉड्यूल के अंदर भी शॉर्ट फॉर्म ही लिखी हुई है स्टडी मैट में ए क्यू एस पी यही सारी टर्म्स लिखी हुई है तो बिल्कुल कर सकते हैं आप लोग और इसके बाद में कह रहे हैं कि विनय स्टैंडर्ड में प्रॉब्लम uh, आई है मॉड्यूल में सर कोई दिक्कत नहीं मॉड्यूल के जितने भी क्वेश्चन है वो क्लासेज में कवर्ड हैं एक बार आप क्लास नोट्स देखेगा मिल जाएंगे सारे उसमें आपको सॉल्यूशन और जसकीरत कर चुके हैं बिरमेत कर चुके हैं आर्यन कर चुके हैं एकांश मोनिका मोनिका का थोड़ा सा पेंडिंग है आ, ये फाइंड कर चुके हैं कुशाल कर चुके हैं भूमिका कर चुके हैं चलिए बहुत ही बढ़िया बस यहां पर जो चले वो आप घर पे करते जाइए हम पूरी कोशिश करेंगे कि कल इवनिंग तक हमारा कोस्टिंग का फुल रिवीजन हो जाए और उसके बाद में आप उसको जैसे साथ के साथ क्वेश्चन करते जाइए तो तीन से चार दिन में पूरी कॉस्टिंग रिवाइज हो जाएगी आपकी देखिएगा शीट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं शीट चैप्टर नंबर फोर है शीट बहुत ही सिंपल है शीट का मतलब होता है एक स्टेटमेंट जो फंक्शनल क्लासिफिकेशन करता है फंक्शनल क्लासिफिकेशन का मतलब होता है प्राइम कॉस्ट फैक्ट्री कॉस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट ऑफ सेल दिखाना हमारे पास हमने कॉस्ट शीट रखा है इस प्रिफॉर्मा शीट के अंदर हमने जितने भी खर्चे हैं वो सारे के सारे कहां, कहां, कहां पर आते हैं वो लिख लिए आराम से देखते हैं सबसे पहले हमारे पास आता है डायरेक्ट मेटेरियल कंज्यूम्ड डायरेक्ट मेटेरियल के अंदर आप रॉ मेटेरियल परचेज को लेंगे ओपनिंग स्टॉक लेंगे क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे

कि आपके पास रॉ मेटेरियल परचेज ओपनिंग रॉ मेटेरियल क्लोजिंग रॉ मेटेरियल इसमें कैरिज वर्ड को एड करिए और स्क्रैप ऑफ रॉ मेटेरियल को माइनस कर दीजिए स्क्रैप शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर सिर्फ स्क्रैप लिखा हो तो वो फैक्ट्री कॉस्ट में से माइनस होता है और स्क्रैप ऑफ रॉ मेटेरियल लिखा हो तो वो रॉ मेटेरियल के अंदर से माइनस होगा ठीक है इसके बाद में हमारे पास आती है डायरेक्ट वेजिज डायरेक्ट वेजिज के अंदर हम वेजिज सैलरी उनको कोई भी अलाउंस उनको ओवर टाइम की पेमेंट कोई बोनस कोई भी अदर बेनिफिट दे रहे हैं एम्प्लॉयर का कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन पी एफ में ई एस आई में है तो वो सारी चीजें एड कर दी जाएंगी डायरेक्ट होगा तो लेबर के अंदर एम्प्लॉयर का जो होता है वो कॉस्ट का पार्ट बन जाता है तो यहां पर भी सेम टू सेम वैसे ही उसको एड कर दिया जाएगा ओके okay. इसके अलावा आपको ध्यान रखना है जैसे रॉ मेटेरियल की अगर हम बात करते हैं तो अगर जीएसटी लगा हुआ है और जीएसटी का इनपुट क्रेडिट अवेलेबल नहीं है तो वो कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा लेकिन अगर जीएसटी का इनपुट क्रेडिट अवेलेबल है तो वो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता इसके बाद हमारे पास आते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस और फैक्ट्री वर्क प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इन दोनों के अंदर कई कई जगह पे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं तो कुछ पॉइंट को आपको याद रखना है कि डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या क्या आएगा और फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या आएगा डायरेक्ट एक्सपेंस में आता है कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज तो अगर लिखा हुआ है यूटिलिटीज की कॉस्ट है जैसे लिखा हुआ है पावर फ्यूल स्टीम एटसेट्रा तो ये आपके डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आ जाएगा रॉयल्टी अगर आपने दी है तो रॉयल्टी आपके पास डायरेक्ट <coughs> एक्सपेंस के अंदर आएगी <coughs> इसके अलावा अगर आप हायर चार्जेस देते हो किसी भी इक्विपमेंट के वो हायर चार्ज डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आएंगे टेक्निकल असिस्टेंस के लिए नो हाउ के लिए अगर आपने फीस दी है तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आएगी मोल्ड पैटर्न पेटेंट्स डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आते हैं इसके अलावा अगर आपने कोई स्पेसिफिक डिजाइन या ड्राइंग बनवाई है वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आएगी कोई स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर बनवाया है वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आएगा इसके अलावा कंज्यूमेबल मेटीरियल लिखा हुआ है कंज्यूमेबल मेटेरियल वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा और जॉब चार्ज भी डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आएंगे अगर मैं मोटी मोटी बात बोलूं तो मैं कह सकता हूं यूटिलिटीज रॉयल्टी हायर चार्जेज जॉब चार्जेज कंज्यूमेबल मेटेरियल स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर डिजाइन ड्रॉइंग मोल्ड पैटर्न पेटेंट और टेक्निकल असिस्टेंस या टेक्निकलिस्टेंस की फीस आपकी डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आती है इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा यही सारे आइटम है फिर हमारे पास आता है फैक्ट्री और वर्क्स यहां पर आप जरा देखिए ऊपर लिखा था कंज्यूमेबल मेटेरियल यहां पर लिखा हुआ है कंज्यूमेबल स्टोर तो स्टोर की कंजम्पशन फैक्ट्री ओवरहेड में आएगी मेटेरियल की कंज्यूमेबल आपके डायरेक्ट एक्सपेंस में आते हैं ठीक है तो कंज्यूमेबल स्टोर प्लांट मशीनरी फैक्ट्री बिल्डिंग का कोई भी डेप्रिशिएशन उनका लीज रेंट ये सब फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा रिपेयर मेंटेनेंस होगी प्लांट एंड मशीनरी की फैक्ट्री ओवरहेड में आएगी इनडायरेक्ट एम्प्लॉई कॉस्ट फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर आएगी प्रोडक्शन एक्टिविटीज से रिलेटेड ड्रॉइंग एंड डिजाइन डिपार्टमेंट कॉस्ट देखिये ऊपर क्या है ऊपर है आपने स्पेसिफिक डिजाइन और ड्रॉइंग बनवाई है किसी से उसका खर्चा और यहां पर पूरा डिपार्टमेंट है तो फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर उसके डिपार्टमेंट की पूरी कॉस्ट आती है लेकिन अगर आपने स्पेसिफिक डिजाइन या ड्राइंग किसी थर्ड पार्टी से बनवाया तो उसकी जो भी कॉस्ट लगेगी वो डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आएगी इसके बाद में एक आता है इंश्योरेंस इंश्योरेंस तो इंशूरेंस के अंदर प्लांट मशीनरी फैक्ट्री बिल्डिंग ये सब तो क्लियर है डब्ल्यू का स्टॉक और रॉ मेटेरियल का स्टॉक रॉ मेटेरियल के स्टॉक का अगर इंश्योरेंस करवाया है तो फैक्ट्री ओवरहेड में आता है बच्चा रॉ मेटेरियल के स्टॉक के इंश्योरेंस को

इसके अलावा आपके जो सर्विस डिपार्टमेंट हैं जैसे कि टूल रूम इंजीनियरिंग मेंटेनेंस कोई पॉल्यूशन कंट्रोल ये सारी चीजें भी फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर आएंगी कैरिज ऑन मेटेरियल रिटर्न अगर आपने मेटेरियल को वापस किया है और उस पर आपका कुछ कैरिज लगा है तो मेटेरियल रिटर्न का कैरिज फैक्ट्री ओवर में आता है जबकि कैरिज इन वर्ड रॉ मेटेरियल के अंदर आता है तो ये तीन चीजें अगर आपको याद हैं तो एडमिन और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ नहीं है वो सिंपल है अब जय देखिए फिर से देखते हैं एक बार रॉ मेटेरियल के अंदर क्या आएगा परचेज ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक कैरिज इन वार्ड और रॉ मेटेरियल का स्क्रैप इसके बाद में लेबर एंड एम्प्लॉय कॉस्ट के अंदर जो भी लेबर के खर्चे ओवर टाइम बोनस अलाउंस और एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन भी आ जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर यूटिलिटी जाएंगी रॉयल्टी आएगी हायर चार्जेज आएंगे जॉब चार्जेज आएंगे टेक्निकल असिस्टेंस नो हाउ के लिए कोई फीस दी वो आएगी स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक डिजाइन ये सारी चीजें डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आएंगी

स्टॉक चाहे तो रॉ मेटेरियल हो या डब्ल्यू का हो उसका इंश्योरेंस फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा और आउटवर्ड भी जोन भी सॉरी ऑन रिटर्न फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर रहेगा ये हमारे पास आ जाती है ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट इसमें ओपनिंग क्लोजिंग डब्लू एडजस्ट करते हैं फैक्ट्री कॉस्ट आ जाती है फिर हमारे पास पांच आइटम आते हैं जैसे ही आप फैक्ट्री कॉस्ट पे पहुंचेंगे इसके बाद हमारे पास आपको मिलेगा क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट ये दोनों आ जाएंगे क्वालिटी कंट्रोल रिसर्च एंड डेवलपमेंट फिर आएगा एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी यहां पर जोड़ दिए जाएंगे इसके बाद में कोई भी स्क्रैप बिका है बाई प्रोडक्ट बिका है और कोई रिकवरी हुई है तो यहां पर माइनस हो जाएगी यहां पर स्क्रैप जो लिखा होगा उसमें लिखा होगा सिर्फ सेल ऑफ स्क्रैप तो सेल ऑफ स्क्रैप लिखा है तो इसका मतलब फैक्ट्री ओवरहेड में से माइनस होने वाला आइटम है सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मेटेरियल लिखा है स्क्रैप ऑफ रॉ मेटेरियल तो मटेरियल में से लेस किया जाएगा इसके बाद प्राइमरी पैकिंग को रिलेटेड टू प्रोडक्शन स्क्रैप और, और पांचवा प्राइमरी पैकिंग स्क्रैप माइनस होगा बाकी सारी चीजें जुड़ जाएंगी फिर हम इसे कहते हैं, फिर ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स एडजस्ट होता है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद में हमारे पास आते हैं admin overhead जो general है या जिसको हम बोलते हैं नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन है तो related to production यहां पर हमारे पास आ जाएंगे related to production के अंदर आपका आपका जो ऑफिस है head office, वहां के सारे खर्चे आते हैं तो हेड ऑफिस की बिल्डिंग का रिपेयर उसका डेप्रिशिएशन हेड ऑफिस में एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में काम करने वाले एम्प्लॉयज की सैलरी ये जितने भी सीए हैं जितने भी लीगल एडवाइजर है जितने भी आपके डायरेक्टर्स हैं ये सारे के सारे जितनी वाइट कॉलर जॉब है वो सारे के सारे यहीं पर बैठते हैं तो डायरेक्टर्स की जो भी फीस जा रही है डायरेक्टर्स को कोई रेम्यूनेशन जा रहा है डायरेक्टर्स की जो एजीएम वगैरह हो रही है उनके कोई भी खर्चे वो सारे के सारे खर्चे आपके एडमिन ओवर के अंदर आ जाएंगे इसके बाद में हमारे पास आते हैं सेलिंग ओवरहेड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड सेलिंग ओवरहेड के अंदर मार्केटिंग का सारा खर्चा आएगा तो एडवर्टीजमेंट हो गई आपकी, कोई भी हो गया, इस सारा का सारा खर्चा सेलिंग ओवर हेड के अंदर आएगा सेलिंग ओवर हेड के अंदर मार्केटिंग वाला जितना भी स्टाफ है उसकी सैलरी मार्केटिंग के स्टाफ को आपने कोई परक्यूजिट्स दिए कोई बेनिफिट दिए या आपके सेल्स डिपार्टमेंट के जितने भी खर्चे हैं वो सब आ जाएंगे इसमें एक चीज आपको मिल सकती है कि हमने इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन लगाई हुई है तो एग्जीबिशन का दे सकता है तो एग्जीबिशन मार्केटिंग का काम है कि आपने एग्जीबिशन लगाई है दूसरा अगर आपकी वेबसाइट है ऑनलाइन सेल की तो ऑनलाइन सेल की वेबसाइट का खर्चा भी सेलिंग ओवरहेड के अंदर आता है फिर हमारे पास आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में सामान को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले जितने भी एम्प्लॉयज हैं डिस्ट्रीब्यूशन के जितने भी व्हीकल्स हैं तो उन व्हीकल्स का डेप्रिशिएशन रिपेयर मेंटेनेंस फ्यूल चार्ज ये सब कुछ आएगा जितनी भी सैलरी वेजिज जाएगी एम्प्लॉइज की जो डिस्ट्रीब्यूशन में लगे हुए हैं उनका खर्चा डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में आएगा इसके अलावा सेकेंडरी पैकिंग अगर होगी सेकेंडरी पैकिंग वो भी डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के अंदर जाएगी फिर हम इसमें कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी प्रॉफिट जोड़ेंगे और सेल कर देंगे जो पॉइंट हमें याद रखने हैं वो ध्यान रखने वाली बात कोई भी एबनॉर्मल कॉस्ट है कोई भी एबनॉर्मल आइटम है

और बीस हजार रुपए की हमें सब्सिडी मिल गई तो हम एक लाख में से बीस हजार माइनस करके अपनी कॉस्ट अस्सी हजार रुपए मानेंगे सिर्फ तो सब्सिडी या ग्रांट से हमारी कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है इसके अलावा कोई भी पेनल्टी फाइन डैमेज डी डिमर्ज और डैमेज डिमर्ज हमारे पास पेनल्टी का ही एक नाम है तो कोई भी पेनल्टी फाइन डैमेज डिमर्ज कुछ भी हो रहा है वो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा इंटरेस्ट कैश डिस्काउंट कोई और फाइनेंस कॉस्ट इनकम टैक्स डोनेशन बेड डेट ये सारी चीजें कॉस्ट का पार्ट नहीं बनती तो इंटरेस्ट हो कैश डिस्काउंट हो और कोई फाइनेंस कॉस्ट हो वो नहीं आएगी इसके अलावा इनकम टैक्स हो डोनेशन दिए आपने कोई बैड डेट है ये कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेंगे जीएसटी का अगर इनपुट क्रेडिट अवेलेबल है तो वो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा जीएसटी का इनपुट क्रेडिट अवेलेबल नहीं है तो कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा ओके अब हमारे पास क्वेश्चन कैसे दिखेंगे हमें जैसे बीबीक्यू क्यू थर्टी इसका क्वेश्चन बड़ा सिंपल होता है जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है वो मैंने रखे हुए हैं और दो क्वेश्चन इसके अंदर मैंने ऐसे रखे हुए हैं जिसमें सारी एडजस्टमेंट आ जाए देखिएगा हमारे पास ओपनिंग स्टॉक रॉ मेटेरियल का डब्लू का आईवी का दे दिया क्लोजिंग स्टॉक दे दिया रॉ मेटेरियल जीएसटी पेड ऑन रॉ मेटेरियल परचेज आई टी सी एवेलेबल इनपुट टैक्स क्रेडिट एवेलेबल है तो ये कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा वेजिट पेड एक्सपेंसिव पेड फॉर यूटिलिटी ऑफिस एडमिन एक्सपेंसिव ट्रेवलिंग अलाउंस सेलिंग एक्सपेंसिव इसके बाद में यहाँ पर मशीन आर्ट्स मशीन आर रेट यूनिट सोल्ड प्रोड्यूस की रो क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दीजिए वेजिज एड कर दीजिए इसके बाद में एक्सपेंसिव फॉर यूटिलिटीज ले लीजिए आपके पास में मशीन आर्ट दिए हुए मशीन आर का रेट इससे आपके पास फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएंगे ओपनिंग क्लोजिंग डब्ल्यू एडजस्ट कर लीजिए Opening closing WIP के बाद में और जो पांच आइटम थे उन पांचों में से कोई भी नहीं 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 दिया हुआ हुआ और office and admin expense paid लिखा है नहीं है related to production है क्लियर कि या तो पहले शब्द लिखा हुआ है तो हम ये मानेंगे कि जनरल ओवरहेड हैं अब हमारे पास आप पहुंच जाएंगे यहाँ पर रॉ मेटेरियल ओपनिंग क्लोजिंग वेजिज एक्सपेंसिड फॉर यूटिलिटी प्राइम कॉस्ट फैक्ट्री ओवरहेड ओपनिंग क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू दी गई है दस हजार यूनिट नाइन हमें क्लोजिंग स्टॉक की है, तो दो मेथड रहते हैं है, तो आईसीए फीफो मेथड को ही हमेशा अप्लाई करता है तो हमारे पास हमें चेक करना पड़ेगा क्वेश्चन के अंदर के आखिर हमने यूनिट बनाई कितनी है बेची कितनी है और क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा तो देखिए आपने वन लैख नाइनटी फोर थाउजेंड यूनिट बनाई है टेन थाउजेंड आपके पास पहले से थी टू लैख फोर थाउजेंड हो गई इसमें से वन सिक्सटी बिक चुकी है तो बताइए कितनी बची होंगी फोर्टी फोर थाउजेंड यूनिट आपके पास क्लोजिंग स्टॉक में होनी चाहिए अब एटी थ्री लैख सेवेंटी एट थाउजेंड फोर हंड्रेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वन लैख नाइन्टी फोर थाउजेंड यूनिट का वन एटी थ्री सेवनटी एट फोर हंड्रेड ये आपका वन लैक 94,000 फोर थाउजेंड यूनिट की कॉस्ट है तो फिर फोर्टी फोर थाउजेंड यूनिट जो क्लोजिंग स्टॉक में है उनकी कॉस्ट कितनी होगी? ये हमारे पास आ गया फोर वन सिक्स एट टू नाइन सिक्स क्लोजिंग स्टॉक निकलकर आ गया ओपनिंग स्टॉक हम ये मान रहे हैं फिफो मेथड बिक गया होगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से ही क्लोजिंग स्टॉक कर आएगा जब तक तो क्वेश्चन बोले नहीं कि वेटेड एवरेज मेथड है ओके यहां पर पर यूनिट का कॉलम बना रखा है वो तभी आपको बनाना होगा जब एग्जामिनर बोले कि पर यूनिट वाला कॉलम बनाइए अगर एग्जामिनर ने पर यूनिट वाला कॉलम बनाने के लिए नहीं कहा तो आप उस कॉलम को नहीं बनाएंगे फिर हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया ऑफिस ट्रेवलिंग सेलिंग एक्सपेंस कॉस्ट ऑफ सेल क्वेश्चन ने कहा है हमें डिजायर्ड प्रॉफिट सेल का पंद्रह परसेंट चाहिए तो अगर सेल का पंद्रह परसेंट प्रॉफिट है तो सेल की एटी फाइव परसेंट कॉस्ट होगी तो आपकी जितनी भी कॉस्ट आई है उसे 85 परसेंट से डिवाइड कर दीजिए आपके पास सेल आ जाएगी तो हमारी नाइन जीरो से डिवाइड करिए कर आपके पास सेल निकल कर आ गई ओके तो ये हमारे पास कोर्स का क्वेश्चन इस तरह से आपको मिलता है अब कुछ कुछ एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन है और कुछ कुछ क्लैरिकल क्वेश्चन है बीबीक्यू थर्टी वन और बीबीक्यू थर्टी टू ये दोनों क्लैरिकल क्वेश्चन है इतने बड़े क्वेश्चन एग्जाम में आने का कोई सीन नहीं है पर इन क्वेश्चन के अंदर सारी एडजस्टमेंट आ जाएंगी तो जितनी भी एडजस्टमेंट हमने ऊपर पढ़ी है यहाँ पर ये जितनी भी एडजस्टमेंट पढ़ी थी ऑलमोस्ट वो सारी एडजस्टमेंट आपको बीबीक्यू क्यू थर्टी वन और बीबीक्यू क्यू थर्टी टू के अंदर मिल जाएंगी आराम से इसको देखकर आपको पूरे क्वेश्चन को इसमें आइटम देखे कितने सारे ऑलमोस्ट सारे आइटम है और ये क्वेश्चन स्टडी मैट के क्वेश्चन है तो स्टडी मैट ने खुद दो क्वेश्चन ऐसे दिए हैं जिसमें सारी एडजस्टमेंट आपको मिल जाए तो थर्टी वन और थर्टी टू इसे आपको पढ़ना है सिंपली कुछ नहीं बस आइटम देखते जाइए रॉ मेटेरियल परचेज कहां पर आएगा प्राइम कॉस्ट में रॉ मेटेरियल के अंदर आ जाएगा जीएसटी पेड है एलिजिबल फॉर इनपुट इनपुट एलिजिबल है तो ये कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा फ्रेट इनवर्ड रॉ मेटेरियल के अंदर जोड़ देंगे प्राइम कॉस्ट का पार्ट है वेजिज पेड टू फैक्ट्री वर्कर डायरेक्ट वेजिज हो गई कॉन्ट्रीब्यूशन मेड टू वर्ड एम्प्लॉइज पी एफ एंड ई एस आई एस जितना एम्प्लॉइज का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है उतना ही एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन भी होता है इसे वेजिज में जोड़ देंगे बोनस दिया है फैक्ट्री वर्कर को वेजेज के अंदर जोड़ देंगे प्राइम कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा रॉयल्टी पेड है डायरेक्ट एक्सपेंस हो गई प्राइम कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा पावर एंड फ्यूल यूटिलिटीज में आते हैं प्राइम कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा मोल्ड पैटर्न प्राइम कॉस्ट के अंदर जाएंगे इनका जो भी अमोर्टाइजेशन निकल कर आएगा इसके बाद में हमारे पास जॉब चार्जेज प्राइम कॉस्ट का पार्ट बनेंगे इसके बाद स्टोर एंड स्पेयर स्टोर और स्पेयर फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट बनेंगे डेप्रीशिएशन फैक्ट्री की बिल्डिंग पर लगाए फैक्ट्री ओवरहेड ऑफिस की बिल्डिंग पर लगाए एडमिन ओवर टू प्रोडक्शन प्लांट एंड मशीनरी फैक्ट्री ओवर डिलीवरी वैन डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के अंदर आ जाएगा तो इस तरीके से पूरा आपके पास चलता जाएगा मार्क करते जाइए और उसके बाद में पूरी क्वेश्चनशीट आपके पास बन जाएगी इन दो क्वेश्चन के अंदर आपको क्वेश्चनशीट का क्लैरिकल सारा याद हो जाएगा तो क्वेश्चन दो तरीके का बनता है एक होता है क्लेरिकल के क्वेश्चन के आइटम दिए हैं और उनको जोड़ दो और तीन चार क्वेश्चन हमारे पास ऐसे हैं जिसमें कुछ एडजस्टमेंट दी हुई है घुमा फिरा के वो एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन हम देख रहे हैं बीबी क्यू थर्टी थ्री हाँ जी एक बच्चा कह रहा है अलाउंस ऑफिस स्टाफ वाला जनरल एडमिन में नहीं आएगा ट्रेवलिंग अलाउंस अगर ऑफिस के स्टाफ को दिया है तो बिल्कुल जनरल एडमिन के अंदर आएगा ए लिमिटेड कंपनी हैज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वन लेक यूनिट वन लेक यूनिट आपने प्रोड्यूस की है कैपेसिटी है आपकी ऑफर प्रोडक्ट एवरी मंथ एक महीने में आप एक लाख यूनिट बना सकते हो द वर्क कॉस्ट एट वेरिंग लेवल ऑफ प्रोडक्शन इसकी वर्क कॉस्ट यानी फैक्ट्री कॉस्ट आपको दी गई है अगर आप टेन परसेंट लेवल पर काम करते हैं यानी दस हजार यूनिट बनाते हैं तो आपकी वर्क कॉस्ट चार सौ रुपए पर यूनिट आएगी ऐसी इसमें सारी परसेंटेज दे रखिए अगर हंड्रेड परसेंट पर काम करते हैं यानी एक लाख यूनिट बनाते हैं तो आपकी वर्क कोस्ट तीन सौ दस रुपए पर यूनिट आएगी ठीक है इट्स फिक्स्ड एडमिन एक्सपेंस 150, फिक्स्ड मार्केटिंग एक्सपेंस अमाउंटेड टू 250, वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन पॉस्ट थर्टी रुपीज पर यूनिट कह रहे इट कैन मार्केट 100% परसेंट ऑफ इट्स आउटपुट एट फाइव हंड्रेड रुपीज पर यूनिट ये अपना पूरा का पूरा 100% परसेंट यानी एक लाख यूनिट बेच सकते हैं पांच सौ रुपए पर यूनिट सेल प्राइस पर प्रोवाइडेड इट इनकर्स द फॉलोइंग फर्दर एक्सपेंडिचर तो हमारे पास पहले हो गई हमारे पास वर्क कॉस्ट इसके बाद में हमारे पास एडमिन एक्सपेंस हो गए हमारे पास सेलिंग एक्सपेंस हो गए और डिस्ट्रीब्यूशन तीस रुपए पर यूनिट हो गया तो फैक्ट्री कॉस्ट एडमिन सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन सब दे दिया कह रहे हैं आप अपना हंड्रेड परसेंट सामान यानी पूरी एक लाख यूनिट बेच सकते हो अगर आप ये फर्दर एक्सपेंस और करो तो बताइए जी क्या करना है फर्दर एक्सपेंस में कह रहे हैं इट गिव्स गिफ्ट आइटम कॉस्टिंग रुपीज थर्टी पर यूनिट ऑफ सेल

और पांच पांच हजार के तीन कॉन्सोलेशन प्राइस तो हो गए पंद्रह हजार के तो एक लाख रुपए के आपके प्राइज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे ठीक है जी तो फर्स्ट पॉइंट में तीस लाख रुपए खर्च हुए सेकंड में लाख लाख सी पॉइंट इट स्पेंड ऑन रिफ्रेशमेंट के खर्च करो डी इट स्पॉन्सर टेलीविजन प्रोग्राम एवरी वीक एट अ कॉस्ट ऑफ ट्वेंटी लैख पर मंथ बीस लाख रुपए हर महीने के खर्च करो तो ठीक है जी तो यानी थर्टी लैख वन लैख वन लैख और ट्वेंटी लैख्टी टू लैख आपको और खर्च करना पड़ेगा अगर आप हंड्रेड परसेंट अपने सामान को मार्केट करना चाहते हो तो इट कैन मार्केट थर्टी परसेंट ऑफ इट्स आउटपुट का मतलब 30 यूनिट एट अगर आप हंड्रेड परसेंट बेचते हो तो पांच सौ रुपए पर यूनिट है अगर आप थर्टी थाउजेंड यूनिट हो तो पांच सौ पचास रुपए बिकेगा सेल प्राइस दोनों जगह विदाउट इनकरिंग एनी ऑफ द एक्सपेंसिव रेफर टू ए टू डी अगर आप ए टू डी वाले खर्चे नहीं करेंगे तो आप अपना हंड्रेड परसेंट सामान नहीं बेच सकते फिर सिर्फ थर्टी परसेंट सामान ही आपका बिकेगा तो कह रहे हैं आपको कोच शीट बनानी है अगर हम तीस परसेंट पे काम करते हैं और हंड्रेड परसेंट पे काम करते हैं तो तीस तो परसेंट पे तीस हजार हंड्रेड परसेंट पे आ गया एक लाख यहां पर तीस परसेंट के सामने हमारी वर्क कॉस्ट आ गई तीन सौ अस्सी पर यूनिट और हंड्रेड परसेंट तीन सौ दस पर यूनिट तो तीन सौ अस्सी तीन सौ दस आ गया एडमिन ले लो मार्केटिंग ले लो वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन तीस पर यूनिट ले लो इसके बाद में हंड्रेड परसेंट वाले के अंदर ये चारों खर्चे आएंगे बावन लाख रुपए के थर्टी वन वन और ट्वेंटी यहां पर कोई भी खर्चा नहीं आएगा ये आपके पास आ गई कॉस्ट ऑफ सेल सेल प्राइस पांच सौ पचास और पांच सौ रुपए पर यूनिट है सेल करिए और आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा चेक कर लीजिए प्रॉफिट किस में ज्यादा है तो यहाँ अड़तीस लाख है यहाँ एक लाख एक करोड़ चार लाख है जहां प्रॉफिट ज्यादा है हम वहां पर जाएंगे तो एक करोड़ चार लाख रुपए प्रॉफिट कमाएंगे हंड्रेड परसेंट मार्केट करेंगे तो हम हंड्रेड परसेंट मार्केट करके क्वेश्चन को सोल्व करेंगे इसके बाद में एक क्वेश्चन है हमारे पास ये उल्टी कैलकुलेशन करवाता है बीबीक्यू थर्टी फोर ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। इसके अंदर आपके पास रॉ मटेरियल कितना परचेज हुआ ये नहीं बताया जाता तो रॉ मटेरियल की परचेज इसके अंदर गायब रहती है बड़ा फेमस क्वेश्चन है दस नंबर में देता है आईसीआई बाकी पूरा क्वेश्चन बड़ा आसान होता है पढ़ते हैं

इसका मतलब फैक्ट्री एक्सपेंस वन लैख फोर्टी सेवन थाउजेंड होगा ओके फिर इन्होंने हमारे को सीओ जी एस दिया हुआ है हमें निकालना होता था तो ये आपको कॉस्ट ऑफ सोल्ड दे देंगे अब आपको कॉस्ट ऑफ सोल्ड से उल्टे वापस आना होगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड दे दिए सेल दे दिए आपको एडमिन ओवरहेड आर टेन परसेंट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड एडमिन ओवरहेड को फैक्ट्री ओवरहेड से लिंक किया गया है अगर एडमिन ओवरहेड को किसी भी ऐसी चीज से से लिंक किया जाएगा जो से पहले की हो तो सीओ जी एस से पहले क्या आता सोचिए सीओ जी एस से पहले आपके फैक्ट्री ओवरहेड फैक्ट्री कॉस्ट प्राइम कॉस्ट इनमें से कोई भी आइटम है और उस पर एडमिन ओवरहेड को लिंक किया गया है तो एडमिन ओवरहेड को रिलेटेड टू प्रोडक्शन माना जाता है या तो देखो क्वेश्चन खुद बता दे कि रिलेटेड टू प्रोडक्शन है या नहीं अगर क्वेश्चन ने नहीं बताया कि एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन है नहीं है तो आप अपनी ले सकते हैं लेकिन कई बार हिंट दिए होते हैं तो एक हिंट हमारे पास क्या रहेगा अगर एडमिन ओवरहेड को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से से ऊपर की किसी भी चीज लिंक किया गया है तो हम ये मानेंगे वो रिलेटेड टू प्रोडक्शन है और अगर ऊपर की किसी चीज से लिंक नहीं किया जैसे फैक्ट्री कॉस्ट से लिंक कर दे टेन परसेंट ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट ट्वेंटी परसेंट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड कोई भी ऐसी चीज से लिंक कर दे तो इसका मतलब रिलेटेड टू प्रोडक्शन है अदरवाइज नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन आ जाएगा ठीक है तो एडमिन ओवरहेड हमारे पास आगे गए 10% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड तो ये हम एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन मानेंगे ऐसे ही कई बार एडमिन ओवरहेड कैसे दे देता है जैसे एडमिन ओवरहेड बोल दिए पांच रुपए पर यूनिट प्रोड्यूस्ड जो यूनिट बनी है उन पर पांच रुपए तो रिलेटेड टू प्रोडक्शन है और बोल दे ₹5 पर यूनिट सोल्ड तो इसका मतलब नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन है तो अगर प्रोड्यूस से लिंक करेगा या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से ऊपर की किसी चीज से लिंक करेगा तो रिलेटेड टू प्रोडक्शन वरना नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन माना जाएगा रिलेटेड टू प्रोडक्शन होगा तो फैक्ट्री कॉस्ट के बाद में जुड़ जाएगा नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन होगा तो सीओ जीएस के बाद में जुड़ेगा ठीक है वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जामिनर आपको बता ही देगा कि रिलेटेड टू प्रोडक्शन है या नहीं है अब इन्होंने ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक भी दे दिए अब इसमें देखिए क्वेश्चन में बाकी सब चीजें दी हुई है लेकिन रॉ मेटेरियल परचेज गायब किया हुआ है तो हमारे को सबसे पहले उल्टी कॉस्टशीट बनानी होती है परचेज के लिए COGS ले लिया क्लोजिंग स्टॉक को कर देंगे ओपनिंग स्टॉक को माइनस कर देंगे उल्टे साइन हो जाएंगे वैसे क्या करते थे हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे पहुंच गए प्रोडक्शन पे पहुंचकर एडमिन वहां पर जोड़े गए होंगे तो एडमिन को माइनस करो फैक्ट्री कॉस्ट पे पहुंच गए फैक्ट्री कॉस्ट में क्लोजिंग जोड़ो और ओपनिंग माइनस करो ग्रोस फैक्ट्री कॉस्ट पे पहुंच गए फैक्ट्री ओवरहेड को माइनस करो प्राइम कॉस्ट पे पहुंच गए डायरेक्ट एक्सपेंस डायरेक्ट वेटिज को माइनस करो रॉ मटेरियल कंज्यूम पे पहुंच गए ओपनिंग स्टॉक को लेस करो क्लोजिंग को एड कर दो रॉ मेटेरियल परचेज पर आप पहुंच जाएंगे अब हमें फिर क्वेश्चन बोलेगा सीधी शीट बनाओ तो ये बेसिकली आपका वर्किंग नोट बनेगा कई बार बच्चे कहते हैं कि सर ये वर्किंग नोट हम ऐसे बनाएंगे या सीधे लिख कर, कर लें जैसे सीओ जी एस सी क्वेश्चन पूरा फॉर्मूला लिखें और निकाल दें अगर क्वेश्चन दस नंबर में आए अगर क्वेश्चन दस नंबर में आए तो स्टेटमेंट बनाकर कर करना फिर इक्वेशन लिख के मत करना और क्वेश्चन पांच नंबर में आए तो आप इक्वेशन बना के कर देना वैसे मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन नंबर में ही आएगा तो दस नंबर में कम से कम दो छोटे स्टेटमेंट तो आपको बनाने ही पड़ेंगे ऐसे ही इतना तो आपसे चाहता ही है अब हमारा एक बार रॉ मेटेरियल कंज्यूम निकल गया फिर सीधे क्वेश्चन शुरू रॉ मेटेरियल परचेज ओपनिंग क्लोजिंग एडजस्ट किया मेटेरियल कंज्यूम डायरेक्ट डायरेक्ट एक्सपेंस प्राइम कॉस्ट फैक्ट्री ओवरहेड ओपनिंग क्लोजिंग

इसी का सिमिलर क्वेश्चन स्टडी मैट में भी है लेकिन वो इससे आसान है उसके अंदर दो पॉइंट कम है इसमें दो एडजस्टमेंट जाता है एक साल में हम छत्तीस हजार टोय बनाते हैं ओके okay, इतनी हमारी कैपेसिटी है द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एजेंडर डायरेक्ट मटेरियल चालीस रुपए पर यूनिट होगा डायरेक्ट लेबर तीस रुपए पर यूनिट होगी सब्जेक्टेंड पर, यानी 30 पर है, लेकिन है पर, पर तो देंगे ही देंगे तो आपको चेक करना पड़ेगा हर महीने का अड़तालीस हजार से कम वेजेज ना बने अगर वेजिज अड़तालीस हजार से कम बन रही है तो हम अड़तालीस फिक्स वेजिज की पेमेंट करेंगे इसके बाद फिक्स्ड ओवर है 360 पर एन कोई दिक्कत नहीं है वेरिएबल ओवर है टेन रुपीज पर यूनिट कोई दिक्कत नहीं है फिर गेम चालू होता है सेमी वेरिएबल का सेमी वेरिएबल कहता है या बीस परसेंट का कोई हिस्सा बढ़ता है और पार्ट देयर ऑफ लिखा होता है हमेशा, हमेशा ये लिखा हो मिलेगा तो पार्ट देयर ऑफ का मतलब होता है बीस परसेंट बढ़े या एक आध परसेंट भी बढ़े हमारा खर्चा फोर्टी सिक्स एट हंड्रेड बढ़ जाएगा लेकिन बीस परसेंट तक ये इतना ही रहेगा इसके बाद में फिर स्विच होगा यानी कि अगर आप पचास परसेंट कैपेसिटी पर काम कर रहे हैं तो खर्चा आपका एक लाख आठ हजार है अगर आप पचास को क्रॉस कर गए तो आपका खर्चा अब फोर्टी सिक्स एट हंड्रेड बढ़ जाएगा और ये खर्चा बीस परसेंट तक रहेगा अगले तो ये यहां से सत्तर तक रहेगा तो यहां पर एक लाख आठ हजार प्लस फोर्टी सिक्स एट हंड्रेड हो जाएगा ओके। okay. अब अगर आपका खर्चा सेवेंटी परसेंट से जरा सा भी बढ़ा तो, तो आपका खर्चा एक लाख आठ हजार प्लस फोर्टी सिक्स एट हंड्रेड प्लस एक और फोर्टी सिक्स एट हंड्रेड आ जाएंगे यहां पर तो फर्स्ट ट्वेंटी परसेंट तक एक बार जुड़ेंगे फिर नेक्स्ट ट्वेंटी परसेंट पर

तो so, पहले पहले महीने महीने आप काम करेंगे 50 capacity पे. अब जरा देखिए क्या होगा फर्स्ट थ्री मंथ आपकी कैपेसिटी थर्टी सिक्स थाउजेंड पर एन एम है उसका फिफ्टी परसेंट पे हम काम करेंगे पहले तीन महीने ये पूरे साल की कैपेसिटी है तो हमारे पास थर्टी सिक्स थाउजेंड फिफ्टी परसेंट कैपेसिटी तीन महीने के लिए पैंतालीस सौ यूनिट हो गई आपकी ओके नेक्स्ट नाइन मंथ आप एटी परसेंट कैपेसिटी पर काम करेंगे यूनिट हो गई तो पूरे साल में आप जो बनाने वाले हैं वो ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड वन हंड्रेड यूनिट बनाने वाले हैं ठीक है अब हमारे को दो खर्चे देखने होंगे एक तो सेमी वेरिएबल अब देखिए आप फिफ्टी परसेंट पे काम कर रहे हैं तो पर एन के एक लाख आठ हजार हुए तो एक लाख आठ हजार पर एन है तो तीन महीने के कितने सत्ताईस हजार और दूसरा एट्टी परसेंट पर अगर आप हैं तो आप यहां पर आएंगे इस वाले स्लैब में वन लैख एट थाउजेंड प्लस फोर्टी सिक्स एट हंड्रेड प्लस फोर्टी सिक्स एट हंड्रेड 2 लाख 1600 पर एनम हो गया 2 लाख 1600 नाइन मंथ तक ऐसा चला 151200 आपके सेमी वेरिएबल ओवरहेड आ जाएंगे ठीक है इसके बाद में एक लेबर का पॉइंट दिया हुआ है क्वेश्चन में ₹30 पर यूनिट और मिनिमम 48000 ठीक है अब जाए देखिए लेबर पहले तीन महीने और फिर अगले नौ महीने आपको दो चीजें चेक करनी है पहली चीज के पर यूनिट कितना बैठ रहा है और पर यूनिट के हिसाब से दूसरा देखना है अड़तालीस हजार रुपए पर मंथ से कम नहीं होना चाहिए तो कितनी यूनिट बनाइए पैंतालीस सौ पैंतालीस सौ इंटू तीस रुपए और फोर्टी एट थाउजेंड पर मंथ के हिसाब से विच इज हायर को ले लेंगे फोर्टी फाइव हंड्रेड इंटू थर्टी एक लाख पैंतालीस एक लाख पैंतीस हजार बन रहे हैं आपके तीस रुपए पर यूनिट से और फोर्टी एट थाउजेंड पर एम एम से बन रहे हैं वन फोर्टी फोर ज हायर तो 144 फोर्टी रहेगी पहले तीन महीने की वेजिट इसके बाद में फिर आपने बनाई इक्कीस हजार छह सौ यूनिट तीस रुपए से और फोर्टी एट थाउजेंड की वेजिट नाइन मंथ ट्वेंटी वन सिक्स हंड्रेड थर्टी वेजिट बनी सिक्स लैखी एट थाउजेंड और फिक्स थी हमारी फोर लैख थर्टी टू थाउजेंड तो यहां पर सिक्स फोर्टी एट आपकी वेजिट बन जाएगी तो इसके अंदर आपको तीन चीजें देखनी होती हैं एक तो सेमी वेरिएबल ओवरहेड कितने कितने आएंगे <coughs> दूसरा आपकी वेजिट वाला पॉइंट दे दिया तो स्टडी मैट के अंदर जो क्वेश्चन है उसमें वेजिट वाला पॉइंट नहीं दिया हुआ एग्जाम में जो आया था वो वेजिज के साथ आया था स्टडी मैट में जो क्वेश्चन है उसमें एडमिन सेलिंग ओवरहेड नहीं दिए हुए एग्जाम में जो आया था उसमें एडमिन सेलिंग दे दिए थे स्टडी मैट में जो क्वेश्चन है उसमें पांच रुपए पर यूनिट का स्क्रैप नहीं है एग्जाम में पांच रुपए पर यूनिट का स्क्रैप भी आया था तो एग्जाम का जो क्वेश्चन होता है वो स्टडी मैट में थोड़ी बहुत हेर फेर करके आता है या फिर स्टडी मैट का कॉपी पेस्ट आ जाता है ये आपकी किस्मत है कि स्टडी मैट से कॉपी पेस्ट आया या छेड़ाखानी करने के बाद आया तो हमारे पास क्वेश्ची पहले तीन महीने पैंतालीस यूनिट फिर अगले नौ महीने इक्कीस रॉ मेटेरियल ले, ले लीजिए स्क्रैप माइनस कर दीजिए डायरेक्ट लेबर पहले तीन महीने की 144 अगले नौ महीने की 648 फोर्टी एट ड आएंगे सत्ताइस हजार और एक इक्यावन दो सो सत्ताइस हजार एक इक्यावन दो सौ फिक्स वेरिएबल ओवरियबल में हमें कोई दिक्कत ही नहीं है फिर एडमिन ओवरहेड ले लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ऑफ सेल आ गया अच्छा मैं आपको एक चीज बता देता हूं अगर क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स नहीं है अगर किसी भी क्वेश्चन में ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स नहीं है तो एडमिन को आप रिलेटेड टू प्रोडक्शन लो या नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन लो कोई फर्क ही नहीं पड़ता उसका रीजन बताता हूं मैं देखो हमारे पास ही आ गई फैक्ट्री कॉस्ट अब मान लो एडमिन ओवरहेड है फैक्ट्री कॉस्ट है एक लाख रुपए और एडमिन ओवरहेड है बीस हजार अब देखो यहां पर हमारा आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ओपनिंग फिनिश गुड्स की वैल्यू तो क्वेश्चन खुद देता है जैसे मान लो तीस हजार का ओपनिंग फिनिश गुड्स है जो क्लोजिंग फिनिश गुड्स है उसकी वैल्यूएशन हमें करनी पड़ती है जितना भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा डिवाइड की यूनिट और एक हजार यूनिट हमारी क्लोजिंग स्टॉक में है ठीक है यहां पर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आएगी फिर आएगा सीओजीएस उसके बाद में एडमिन ओवरहेड नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन आ जाएंगे अब जरा देखो अगर क्लोजिंग स्टॉक है तो अब मैटर करेगा कि एडमिन ओवरहेड वहां पर रखें या फिर नीचे रखें क्योंकि हमारे पास अगर मैं एडमिन ओवरहेड ऊपर रखता हूं तो मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक बीस हो गया और क्लोजिंग स्टॉक हो गया बारह हजार अगर मैं एडमिन ओवरहेड को ऊपर नहीं रखता तो मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक लाख होगा और मेरा फिनिश कोर्स दस का हो जाएगा

लेकिन अगर क्लोजिंग फिनिश गुड्स क्वेश्चन में नहीं है तो आप एडमिन को ऊपर जोड़ो या नीचे जोड़ो रिलेटेड टू प्रोडक्शन मानो या नॉट रिलेटेड मानो क्वेश्चन पे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है कोई लेना देना ही नहीं है रीजन बीइंग बीस हजार ऊपर जोड़ो या बीस हजार नीचे जोड़ो क्या फर्क पड़ता है टोटल कॉस्ट में तो बीस हजार रुपए जोड़ने हैं फर्क पड़ता था वैल्यूएशन से तो जिस क्वेश्चन में क्लोजिंग फिनिश गुड्स नहीं होगा उस क्वेश्चन में आप एडमिन को रिलेटेड मानो या नॉट रिलेटेड कोई फर्क क्वेश्चन पे नहीं पड़ेगा और आईसीआई को इससे कोई मतलब नहीं है कि आपने ऊपर जोड़ा है या नीचे जोड़ा है अदरवाइज क्वेश्चन में फर्क पड़ जाता है अगर क्लोजिंग फिनिश गुड्स हो अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्लोजिंग फिनिश गुड्स नहीं है तो एडमिन को आपने वर्क पोस्ट के बाद जोड़कर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिख दिया या फिर एडमिन को पहले आपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के नीचे यहां पर लिख दिया कोई फर्क ही नहीं पड़ना क्वेश्चन में दोनों जगह से आंसर एक आएगा ऐसी जो हमारा पिछला क्वेश्चन था थावेंटी वाला ये वाला थर्टी और वन हंड्रेड वाला यहां पर भी एडमिन ओवरहेड थे यहां पर भी क्लोजिंग फिनिश नहीं था तो आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर लो या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद में लो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला लेकिन ये जो हमारा क्वेश्चन था आपका बीबी क्यू थर्टी फोर इसमें क्लोजिंग स्टॉक है तो एडमिन रिलेटेड टू तो प्रोडक्शन और नॉट रिलेटेड टू तो प्रोडक्शन इसमें मैटर करेगा ओके अब हमारे पास आ गया बीबी क्यू थर्टी सिक्स क्वेश्चन बहुत ही फेमस चल रहा है आजकल एग्जामिनर इसको बैक टू बैक पूछ रहा है अभी तक ये दो बार आ चुका है और इसमें दस दस नंबर में आया दोनों बार लेकिन अब इन फ्यूचर आएगा तो पांच नंबर में आएगा जो क्वेश्चन बार बार पूछ लिया जाता है उसकी वर्थ गिरती चली जाती है अब जो देखिए हमारे पास द फैंसी ट्वाइज कंपनी आर मैन्युफैक्चरर ऑफ टू टाइप ऑफ ट्वाइज एक्स एंड वाई दो तरीके के टॉय ए बना रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2023 एट गिवन ब्लॉक। इसमें क्वेश्चन में ने क्या हुआ क्या है कि एक्स और वाई दो टॉय हैं उनके जो खर्चे हैं ना वो एक साथ दे दिए हैं तो ये खर्चा जो है ये कंबाइंड खर्चा है आपको इस खर्चे को एक्स और वाई में स्प्लिट करना है ओके तो हमारे पास दो टॉय एक्स और वाई उनका खर्चा दिया डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेज और प्रोडक्शन ओवरहेड इन तीनों को स्प्लिट करना है बस यूनिट है।, तो है जो हमारे पास दो तरीके के खिलौने हैं यहां पर कभी दो तरीके के खिलौने दे देगा कभी दो तरीके के आपको पेन दे देगा दे कभी दो तरीके पेंसिल दे देगा दे दे कुछ ऐसा बोलेगा दो चीजें देता है हमेशा

के एक लाख बीस हजार टॉय के चालीस और वाई के एक दो लाख ये बटेगा कैसे एक बीस हजार टॉय है ठीक है अब आपको सिंपली क्या करना होता है एक्स पर दो गुना मेटेरियल लगा है कंपेरेटिव टू वाई के तो ये रेशियो बन गया हमारे पास एटी थाउजेंड इज टू वन टी तो वन ट्वेंटी के रेशो में हम दो लाख रुपए को बांट देंगे तो हमारे पास 80 और 120 के एटी थाउजेंड वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड ठीक है इसके बाद में कह रहे हैं जो डायरेक्ट वेजिज टाइप वाई में हैं, वो 60 है वो सिक्स परसेंट है एक्स के कंपेरेटिवली तो एक्स में जितनी भी वेजिज लगती है वाई में उसका सिक्सटी परसेंट लगेगा तो अब हम क्या करेंगे जैसे बारह हजार रुपए तो इसका रेशो कैसे निकालेंगे X की यूनिट तो वाई के अंदर पॉइंट सिक्स वेजिज लगती है तो इस टू एक लाख बीस हजार इंटू पॉइंट सिक्स सेवेंटी टू थाउजेंड तो फोर्टी इज टू के रेशो में एक लाख बारह हजार को बांट दीजिए तो 40 और 72 के रेशो में वेजिज पड़ जाएगी 40,000 72,000 ठीक है इसके बाद में कह रहा है प्रोडक्शन ओवरहेड हेड वो थर्टी पैसे द सेम पर टॉय ऑफ एक्स एंड वाई ये तीस पैसे पर टॉय है तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है चालीस हजार टॉय पर तीस पैसे बारह हजार हो गए और एक टॉय तो पर तीस पैसे

और जो परसेंटेज थी वो भी सेम ले ली तो परसेंटेज या फिगर कभी बदल देंगे तो आपको ध्यान रखना है टू आइड बांटना है कि भाई यूनिट, 1, यूनिट इस पे एक मेटेरियल लगता है तो इस इसपे दो गुना डबल मेटेरियल लगता है चालीस हजार यूनिट, 1, यूनिट एक लाख बीस हजार यूनिट इसपे एक रुपए की वेजिज लगती है तो इस इसपे सिक्सटी पैसे की वेजिंग लगती है दैट्स इट बाकी खत्म हो जाएगा इसके बाद में एडमिन ओवरहेड टू हंड्रेड परसेंट डायरेक्ट लेबर के हैं क्वेश्चन ने खुद ही बताया रिलेटेड टू प्रोडक्शन है सेलिंग ओवरहेड और फिर सेल प्राइस इसमें दे दिया इसकी थर्टी सिक्स थाउजेंड यूनिट इसकी एक लाख यूनिट बिकी की है तो इसकी चार हजार यूनिट क्लोजिंग स्टॉक में रह जाएंगी और इसकी बीस हजार यूनिट क्लोजिंग स्टॉक में रह जाएंगी क्वेश्चन ने आपको कहा है टोटल कॉस्ट और कॉस्ट पर टॉय यहां पर पर यूनिट निकालने के लिए बोला है कि पर टोय तो की कॉस्ट आपको दिखानी है दोनों तरीके के डॉएज की तो यहां पर हमें टोटल का कॉलम भी बनाना पड़ेगा पर यूनिट का भी दोनों टाइच तो का वो बना लेंगे हम जब भी आप पर यूनिट का कॉलम बनाते हैं तो आपको एक बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर ध्यान रखनी है कि जब पर यूनिट निकाला जाता है तो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक के आगे ब्लैंक छोड़ दिया जाता है तो जैसे यहां पर सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक है तो पर यूनिट का कॉलम ब्लैंक छोड़ देंगे आप पर यूनिट के कॉलम को आप फिल नहीं करेंगे ओपनिंग स्टॉक होगा तो ओपनिंग स्टॉक के कॉलम को भी आप पर यूनिट में ब्लैंक छोड़ देंगे ओके ये हमारे पास फोर्स का, का काम खत्म बहुत ही सिंपल सोवर है आप एक बार पूरा परफोर्मा याद करेंगे और इसके सारे क्वेश्चन करेंगे अब अगर किसी का कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है बिल्कुल सिंपल अलग अलग टाइप के बस यही क्वेश्चन है question में और दस नंबर का एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा बूस्टर के क्वेश्चन के साथ एक बार स्टडी मैट को गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा लेटेस्ट आरटीपी एमटीपी जरूर देख के जाइएगा क्योंकि लेटेस्ट आरटीपी एमटीपी से एक क्वेश्चन दस नंबर का तो कम से कम आई जाता है कई बार एक भी नहीं आता लेकिन जनरली दस नंबर का आ जाता है RTP, में भी सिमिलर क्वेश्चन ही होते हैं और क्लियर है सभी को एकदम सिंपल है बिल्कुल ये दस नंबर का चैप्टर हमारा खत्म हो गया है कोशीट यानी दस का काम का खत्म आ जाएंगे अब एक मैंने डायरेक्ट एक्सपेंस का टॉपिक दे रखा है डायरेक्ट एक्सपेंस टॉपिक दे रखा है लेबर चैप्टर के अंदर ये स्टडी मैट में नया एड हुआ है तो मैंने इसको सेपरेटली अलग से रख लिया कि भाई ये पूछा जा सकता है तो डायरेक्ट एक्सपेंस शीट के अंदर हमने पढ़ लिया है सारी यूटिलिटीज जो भी हमारी फ्यूल पावर है कोई भी सॉफ्टवेयर है लाइसेंस है वो सारी चीजें इसमें आ जाती हैं वही यहाँ पर बोल दिया कि जी रॉयल्टी आ जाती है हायर चार्ज आ जाते हैं स्पेसिफिक डिजाइन और ड्रॉइंग होता है स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर होता है और कोई ऐसी एक्टिविटी जो डायरेक्टली रिलेटेड हो प्रोडक्शन से वो आ जाती है तो यहाँ पर वही सारे खर्चे जो कॉस्ट शीट में दिए हुए हैं और दो क्वेश्चन दे दिए तो ये दो क्वेश्चन मुझे लगता है कि पूछे जा सकते हैं पांच नंबर में कह रहे हैं कि हमारे पास आदित्य लिमिटेड है इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूसिंग जॉब ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिकेशन गिवन बाय कस्टमर

प्रोडक्ट का ब्लूप्रिंट निकालने की कॉस्ट जॉब ए के लिए तो ब्लूप्रिंट यानी उसका बेसिक डिजाइन निकालना है तो ये डायरेक्ट डायरेक्ट एक्सपेंस एक्सपेंस बन जाएगा जॉब ए का इसके बाद में में हायर हायर पे हैं हैं बी पर आते सैलरी टू ऑफिस अटेंडेंट नहीं आती वन टाइम लाइसेंस फी ली है सॉफ्टवेयर की तो सॉफ्टवेयर का खर्चा डायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाएगा सैलरी पेड टू मार्केटिंग मैनेजर नहीं आएगा तो हमारे पास प्रोडक्ट का ब्लू या प्रोडक्ट का डिजाइन हायर चार्जेज और आपने किसी भी नो हाउ या स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर के पैसे दिए हैं तो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाएंगे ओके okay. फिर ऐसे ही एक बीबी क्यू थर्टी एट इन्होंने दिया है कह रहे हैं फॉलोइंग एक्सपेंडिचर वर इनकर्ड ऑन आदित्य लिमिटेड आपको इसमें से डायरेक्ट एक्सपेंस पहचानने हैं तो डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर हमारे पास पेड फॉर पावर एंड फ्यूल पावर एंड फ्यूल यूटिलिटी में आती है डायरेक्ट एक्सपेंस बन गया वेजिज टू फैक्ट्री वर्कर कोई मतलब नहीं जॉब वर्कर को पेमेंट की है जॉब चार्जेज यहां पर आते हैं हमारे पास रॉयल्टी आ जाएगी टेक्नीशियन को फी दी है तो टेक्निकल असिस्टेंस के लिए नो हाउ के लिए फीस आ जाएगी एडमिन ओवरहेड नहीं आएंगे कमीशन सेल स्टाफ ओवर है नहीं आएगा तो पावर फ्यूल जॉब वर्कर रॉयल्टी और टेक्निकल नो हाउ या टेक्निकल असिस्टेंस के लिए फीस दिए वो हमारे पास आ जाएगा ये हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंस चैप्टर खत्म तो मैंने ऐसे ही चैप्टर बना के रख दिया दो क्वेश्चन है इसके अंदर सिर्फ ओके okay जी ये हमारा काम खत्म हो गया दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि नए ऐड हुए हैं आ सकते हैं अब हमारे पास है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से पहले हम लोग लेंगे पांच मिनट का ब्रेक आपका कोई डाउट है तो पूछ लीजिए और एक्टिविटी खत्म होने के बाद हम देखेंगे अगर हमारे को लगता है कि थोड़ा टाइम और बचेगा तो एक आध चैप्टर को हम और ऐड करेंगे जिससे कि कम से कम टाइम में आपके मैक्सिमम क्वेश्चन और रिविजन हो जाए तो यहाँ पर हम लेंगे एक ब्रेक इलेवन जीरो सेवन हुए 15 मिनट का ब्रेक है इतने कोश शीट का पूरा याद कर लीजिए पूरी कोश शीट याद कर लीजिए 11:22 पर हम कंटिन्यू करेंगे इतने को जो स्टेटमेंट दिया है वो हां जी अब हमारे पास है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एबीसी बहुत ही सिंपल सोवर सा चैप्टर है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हां जी देखेगा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आपको दस नंबर दिलवाएगा इसका रेयरली होता है कि पांच नंबर का क्वेश्चन आए और बहुत ही सिंपल सा चैप्टर बहुत ही ज्यादा सिंपल देखिए होता क्या था जब हम ट्रेडिशनल टेक्निक ट्रेडिशनल टेक्निक बोलते हैं एब्जॉर्शन कॉस्टिंग को ट्रेडिशनल टेक्निक फॉलो करते हैं यानी कि एब्जॉर्शन कॉस्टिंग जो ओवरहेड के अंदर आएगा हमारे पास वहां पर हम ओवरहेड कैसे निकालते हैं कि जैसे हमारे पास तीन डिपार्टमेंट है P1, P2, P3 ये तीन डिपार्टमेंट हमारे पास आ गए और P1, P2, P3 डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स लेंगे और लेबर आर या मशीन आर कोई भी बेस लेकर उसका रिकवरी रेट निकाल देंगे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कहता है कि हम जैसे पूरी फैक्ट्री है तो आपने क्या करा फैक्ट्री के अंदर तीन डिपार्टमेंट देखे पी वन उनका रिकवरी रेट निकाला ये कहती है हम डिपार्टमेंट्स को नहीं देख रहे बल्कि हम पूरी फैक्ट्री के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनकी एक्टिविटीज को नोट करेंगे जैसे एक्टिविटी में पैकिंग एक एक्टिविटी है स्टोरेज एक्टिविटी है तो ये एक्टिविटी ढूंढेंगे जैसे एक्टिविटी वन एक्टिविटी टू एक्टिविटी थ्री एक्टिविटी फोर और हर एक्टिविटी का रिकवरी रेट निकालेंगे तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कहती है कि डिपार्टमेंट वाइज या फैक्ट्री का ओवरहेड रेट लेने की जगह एक्टिविटी वाइज ओवरहेड को रिकवर करना चाहिए दैट्स इट इसके अलावा और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में कुछ भी डिफरेंट नहीं है और दस नंबर का क्वेश्चन आता है एक बच्चा कह रहा है कि सर आ, नवंबर ट्वेंटी थ्री वाला बूस्टर बैच देखा था मैंने रिवीजन के लिए तो सफिशियंट है वाला भी अगर वो देख लिया है तो बात खत्म कोई दिक्कत नहीं है कोई भी बूस्टर बैच आप देख लीजिए ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं थोड़े क्वेश्चन ऊपर नीचे होते हैं कोई दिक्कत नहीं है आपने नवंबर ट्वेंटी थ्री वाले देख लिया है तो मे ट्वेंटी फोर वाले को आप अवॉइड कर सकते हैं एक ही बात है बस लेटेस्ट आर टीपी और स्टडी मॉड्यूल पर एक बार नजर जरूर डालिएगा हां जी तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग और ट्रेडिशनल टेक्निक में क्या फर्क है ट्रेडिशनल टेक्निक डिपार्टमेंट वाइज या पूरे जो फैक्ट्री है उसका एक रेट निकालती थी जबकि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एक्टिविटीज को रिकॉग्नाइज करके उनका रिकवरी रेट निकालेगी तो इसमें एक क्वेश्चन होता है जो आपसे कहता है कि कॉस्ट ड्राइवर रेट या एक्टिविटी रेट निकालो और फिर बताओ प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है तो ऐसी सिचुएशन में हमें कॉस्ट ड्राइवर रेट का परफॉर्मा बनाना पड़ता है तो एक एक्टिविटी का नाम लिखेंगे जो भी क्वेश्चन खुद बताएगा क्या क्या एक्टिविटी है उनकी कॉस्ट लिख लीजिए जितने भी उनके ओवरहेड हैं जो भी रिकवरी का बेस है वो लिख लीजिए रिकवरी बेस की वॉल्यूम और कॉस्ट ड्राइवर का रेट निकाल दीजिए कई बार क्वेश्चन आपसे कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालने के लिए नहीं बोलेगा तो अगर कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालने के लिए नहीं बोले तो जब आप किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालेंगे तो जैसे डायरेक्ट मटेरियल लेबर एक्सपेंस प्राइम कॉस्ट आ गई उसके बाद ओवरहेड लेंगे तो एक्टिविटी वाइज ओवरहेड को अलग अलग प्रोडक्ट पे डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए सीधे सीधे जैसे मान लो तीन प्रोडक्ट हैं एक दो तीन तीनों प्रोडक्ट पे एक्टिविटी के रेशो में खर्चे को पोर्शन करिए और बात खत्म हो जाएगी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी क्वेश्चन देखकर इसका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सीधा सिंपल सा क्वेश्चन होता है बीबीक्यू फोर्टी सिक्स इसके तीन चार क्वेश्चन है अलग अलग टाइप के लेकिन क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, सर ये ठीक है और दस नंबर का एक क्वेश्चन इनमें से कन्फर्म आएगा ही आएगा इस बात को ध्यान रखिएगा देखिए एबीसी लिमिटेड इज अ मल्टी प्रोडक्ट कंपनी मैन्युफैक्चर थ्री प्रोडक्ट एबीसी द बजेटेड कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन एंड द प्रोडक्शन फॉर द ईयर 31st फर्स्ट मार्च एट की प्रोडक्शन चार हजार तीन हजार और सोलह सौ यूनिट एबीसी का हम करने वाले हैं रिसोर्सिस डायरेक्ट मटेरियल किलोग्राम में चार किलोग्राम छह किलोग्राम और तीन किलोग्राम लगेगा डायरेक्ट लेबर मिनट्स में तीस मिनट पैंतालीस मिनट और साठ मिनट लगेगी ठीक है एक बच्चा कह रहा है सर कोस्ट ड्राइवर कोस्ट बोलिएस्ट ड्राइवर रिकवरी बेस को बोलते हैं अभी जो क्वेश्चन चलेगा उसके अंदर वो सारी बातें आ जाएंगी हां जी कह रहे हैं कि द बजटेड डायरेक्ट लेबर रेट दस रुपए पर आर है तो इससे लेबर कॉस्ट निकल कर आ जाएगी आपकी एंड बजटेड मटेरियल कॉस्ट दो रुपए पर के जी है तो ठीक है जी ये चार के जी छजी और तीन के जी था दो दो रुपए से मल्टीप्लाई कर दीजिए लेबर कॉस्ट वो मटेरियल कॉस्ट आ जाएगा प्रोडक्शन ओवर हेड्स आर बजटेड नाइन नाइन फोर फिफ्टी एंड वर रिकवर्ड टू प्रोडक्ट यूजिंग डायरेक्ट लेबर आर रेट तो कह रहे हैं अभी जो हमारे जो प्रोडक्शन ओवरहेड है वो नाइन फोर फिफ्टी है और लेबर आर के बेसिस पर हम रिकवर करते हैं तो बताइए ट्रेडिशनल टेक्निक में ओवरहेड का रेट हम कैसे निकालेंगे बजटेड ओवरहेड और डिवाइड लेबर आर के बेसिस पर ले रहा है तो बजटेड लेबर आर्स ओवरहेड इसने बोल दिए नाइन्टी नाइन थाउजेंड फोर फिफ्टी लेबर आर्स हम लोगों को निकालने पड़ेंगे देखिए चार हजार यूनिट पर तीस मिनट यानी दो हजार घंटे प्लस यूनिट पर 45 मिनट तीन हजार यूनिट पैतालीस मिनट बाय 60, पचास घंटे प्लस सोलह सो यूनिट पर साठ मिनट यानी पूरे सोलह घंटे तो हमने घंटे निकाल दिए कितने आ रहे हैं हमारे पास फाइव एट फाइव जीरो हमारे पास आ रहे हैं लेबर के ये फाइव एट फाइव जीरो हमने रखा हमारे पास रेट निकल कर आ गया सत्रह रुपए पर आर तो सत्रह रुपए पर आर हमारा ओवरहेड का रेट निकल गया ये ट्रेडिशनल टेक्निक है ट्रेडिशनल में ऐसा होता था तो पहले क्वेश्चन ट्रेडिशनल की कहानी सुनाएगा आपको फिर रिक्वायरमेंट में बोलेगा आपसे स्टेटमेंट बनाओ यूनिट कॉस्ट और टोटल कॉस्ट का एब्जॉर्शन कॉस्टिंग से एब्जॉर्शन तो कॉस्टिंग से निकालना है तो हम क्या करेंगे मेटेरियल आठ रुपए बारह रुपए और छह ठीक है जी आ गया आठ रुपए बारह रुपए रुपए लेबर कॉस्ट दस रुपए का रेट है साठ मिनट पूरे दस रुपए हो गए तो पांच रुपए साढ़े सात रुपए और ओवरहेड है सत्रह पर लेबर साढ़े आठ रूपए सेवन फाइव और पूरे एक घंटे के हो गए सत्रह रुपए तो साढ़े आठ ट्वेल्व पॉइंट सेवन फाइव सत्रह रुपए ये इनकी यूनिट कॉस्ट आ गई नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करिए और टोटल कॉस्ट आपके पास निकल आई इस पार्ट के पांच नंबर देता है आई ओके okay. अब आपको एक्टिविटी की कहानी सुनाएगा कह रहे एबीसी लिमिटेड इज नाउ कंसीडरिंग टू अडॉप्ट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज मेड अवेलेबल फॉर दिस पर्पज जी बजटेड ओवरहेड एनालाइज्ड एनालाइज फॉलोइंग एक्टिविटीज मटेरियल हैंडलिंग स्टोरेज एंड इलेक्ट्रिसिटी तो ये एक्टिविटी वन एक्टिविटी टू एक्टिविटी थ्री हो गई ठीक है जी उन्तीस इकतीस दो सौ और उनतालीस एक सौ पचास ठीक है लेबर मतलब आर्ट तो पे रिकवर कर सकते हैं तो लेबर आर रिकवरी का बेस होता था तो यहां पर कॉस्ट ड्राइवर का मतलब है एक्टिविटी को किस बेसिस पर रिकवर किया जाएगा तो रिकवरी का बेस मटेरियल हैंडलिंग एक्टिविटी को वेट ऑफ मटेरियल मेटेरियल से रिकवर करेंगे स्टोरेज कोस्ट को नंबर ऑफ बैचेस से रिकवर करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी को मशीन ऑपरेशन से रिकवर करेंगे ठीक है।, है, है, है तो इन्होंने हमसे कहीं ये नहीं मांगा कि कॉस्ट ड्राइवर रेट निकाल के दिखाओ कई बार मेन रिक्वायरमेंट होती है दिखाओ तो हमें रिकवरी रेट निकाल के दिखाने पड़ते हैं कि रिकवरी रेट इसका इतना है इसका इतना है, इसका इतना, है, इसका इतना, है, इसका इतना. यहां पर आप क्या कर सकते हैं जैसे सबसे पहली एक्टिविटी है जो वेट ऑफ मेटेरियल पर बटना है तो वेट ऑफ मेटेरियल जरा देखिए कितना कितना आएगा इनका फोर थाउजेंड यूनिट चार किलो तो ये हो गया सोलह हजार तीन हजार यूनिट छह किलो अट्ठारह हजार और सिक्सटीन हंड्रेड यूनिट तीन किलो फोर्टी एट हंड्रेड तो आप सोलह हजार अट्ठारह हजार और फोर्टी एट हंड्रेड के रेशो में उन्तीस हजार एक सौ को बांट दीजिए अगर रिकवरी रेट निकालना पड़ता तो हमारे पास यह आता उन्तीस हजार एक सौ का खर्चा थर्टी एट थाउजेंड एट हंड्रेड किलोग्राम रॉ मेटेरियल पर तो हर किलोग्राम पर जीरो पॉइंट सेवन फाइव पर के का रिकवरी रेट आता है एक्टिविटी वन का फिर टू और थ्री का भी निकालेंगे उनके बेसिस पर तो अगर रिकवरी रेट निकालना पड़ रहा है आपसे कहा गया है कोस्ट ड्राइवर रेट निकालो तो निकालिए वरना सिर्फ रेशो निकाल लीजिए दीजिए रेशो क्या है जैसे मेटेरियल है तो मेटेरियल का रेशो इस रेशो में अब ये उन्तीस हजार एक सौ रुपए ए बी और सी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे अब इसके बाद में दूसरा दूसरा कह रहे हैं नंबर ऑफ बैच ऑफ मेटेरियल तो यहां पर लिखा है फोर कंप्लीट प्रोडक्शन नंबर ऑफ बैच ऑफ मेटेरियल इज टेन फाइव एंड फिफ्टीन एबीसी के तो रेशो आ गया टेन फाइव फिफ्टीन ठीक है जी इसके बाद में तीसरा कह रहे हैं नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशन यहां पे लिखा है पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन एक यूनिट बनाने के लिए कितने मशीन ऑपरेशन होंगे छे. तो यूनिट कितनी बनानी है चार हजार तो चार हजार यूनिट हर यूनिट पे छपरेशन चौबीस हजार हो गया दूसरे में तीन हजार यूनिट तीन ऑपरेशन नाइन थाउजेंड हो गया और तीसरे में सिक्सटीन हंड्रेड यूनिट दो ऑपरेशन थर्टी टू हंड्रेड हो गया अब मैं आपको यहां पर खर्चा निकाल के बताता हूं तो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर तो पता ही है ये आगे हमारे पास ए बी सी डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं आठ और पांच तेरह बारह और साढ़े सात साढ़े उन्नीस और, और छह और दस अट्ठारह तो हम इनको ऐसे के ऐसे ही यहां पर लिख लेंगे कि बी एबीसी का डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंस इतना है मैं यहाँ पर लिख के आपको बता देता हूँ चार हजार यूनिट पर आठ रुपए ये बत्तीस हजार और पांच रुपए बीस हजार और प्राइम कॉस्ट फिफ्टी टू थाउजेंड आ गई ठीक है जी बी का खर्चा है बारह और साढ़े सात तो और यूनिट है तीन हजार थर्टी सिक्स ट्वेंटी टू फाइव हंड्रेड फिफ्टी एट फाइव हंड्रेड और सी का खर्चा है छह और दस पच्चीस हजार छह सौ ये मेरे पास डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंस आ गए तो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर था प्राइम कॉस्ट मेरे पास निकल चुकी है ओके मैंने एबीसी की प्राइम कॉस्ट निकाल ली अब मुझे एक्टिविटी वाइज ओवरहेड ऐड करने और मेरा काम हो जाएगा हाँ ठीक है अब मेरे पास ओवरहेड्स देखिए सबसे पहली एक्टिविटी मटेरियल हैंडिंग ३९१० का खर्चा है १६, १८ और ४८०० के रेशो में इसको बांट दीजिए तो एक्टिविटी वन ३९१० डिवाइड बाई ये हो गए हमारे पास १६, १८ और उेंड एट हंड्रेड ट्वेंटी थर्टी सिक्स हंड्रेड ठीक है अब एक्टिविटी नंबर टू इकतीस हजार दो सौ बटने टेन इंस टू फाइवीन के रेशो में तो इकतीस दो सौ डिवाइड बाई थर्टी मल्टीप्लाई बाई टेन इसके आ गए दस चार सौ इसके आगे फिफ्टी टू हंड्रेड और इसके आगे फिफ्टीन सिक्स हंड्रेड ठीक है और एक्टिविटी थ्री थर्टी नाइन फिफ्टी बढ़ते हैं चौबीस हजार नौ हजार और बत्तीसौ के रेशो में थर्टी सिक्स टू हंड्रेड थर्टी सिक्स टू हंड्रेड मल्टीप्लाई बाई ट्वेंटी फोर थाउजेंड आगे टू फाइव नाइन फाइव सिक्स आगे नाइन सेवन थ्री थ्री और थर्टी टू हंड्रेड ये आ गया थ्री फोर सिक्स वन बस इनको जोड़ लीजिए और आपका ए बी सी से प्रोडक्ट ही कॉस्ट निकल कर आ जाएगी तो बावन हजार बारह हजार दस हजार चार सौ पच्चीस नौ सौ छप्पन ये हो गया एक लाख तीन सौ छप्पन रुपए इसके फिफ्टी फिफ्टी एट फाइव हंड्रेड प्लस थर्टीन फाइव हंड्रेड फिफ्टी टू हंड्रेड नाइन सेवन डबल थ्री एट्टी सिक्स नाइन डबल थ्री इसका और ट्वेंटी फाइव सिक्स हंड्रेड थर्टी सिक्स हंड्रेड पंद्रह छह सौ और थ्री फोर सिक्स वन फोर्टी एट टू सिक्सटी वन इसका ये हमारे पास कॉस्ट निकल कर आ गई इनकी नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करेंगे चार हजार तीन हजार और सोलह सौ से तो पर यूनिट कॉस्ट निकल कर आ जाएगी अब जरा देखिए बच्चे क्या करते हैं बच्चे पहले इसका निकालते हैं एक्टिविटी रेट कि मेटेरियल हैंडलिंग स्टोरेज इलेक्ट्रिसिटी इतना इतना खर्चा ये वेट है इतनी वॉल्यूम है पॉइंट सेवन फाइव पर के जी वन थाउजेंड फोर्टी पर बैच पर ऑपरेशन इस तरह से पहले रेट निकालते हैं टोटल वेट मशीन ऑपरेशन ये सब तो इसमें आपका टाइम इतना लग जाता है कि बच्चों की कंप्लेंट आती है कि सर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन हमारा पंद्रह बीस मिनट ले गया right. तो अगर आपसे कहा जाए क्वेश्चन के अंदर के कॉस्ट ड्राइवर रेट निकाल कर दिखाओ तो इसे निकाल कर दिखाइए वरना सिंपली जो रेशो आपके पास आ चुका है वो रेशो आप रखिए और उस रेशो में एक्टिविटी वाइज खर्चे को बांटते जाइए आपका आंसर एक्यूरेट मैच कर जाएगा तो एक लाख समथिंग ये एटी सिक्स और ये फोर्टी एट ये हमारे पास आ गया एक लाख एटी सिक्स फोर्टी एट तो आपकी कॉस्ट सीधे सीधे पूरी बढ़ जाएगी तो ये आसान तरीका रहता है इसमें टाइम कम लगेगा नंबर पूरे मिलेंगे पूरे मार्क्स मिलते हैं इस पर ओके तो एक्टिविटी बेस्ड में हमें एक्टिविटी वाइज कॉस्ट बांटनी है जबकि एब्जॉर्शन कॉस्टिंग में हमें किसी डिपार्टमेंट या पूरी पूरी फैक्ट्री का एक रिकवरी बेस लेकर कॉस्ट बांटनी होती थी ठीक है बीबी क्यू फोर्टी सेवन अब देखिए वोलमार्क लिमिटेड मैन्युफैक्चर थ्री टाइप ऑफ प्रोडक्ट पी क्यू आर डेटा रिलेटिंग टू अ पीरियड एज गिवन बिलो मशीन आर्स पर यूनिट डायरेक्ट लेबर आर पर यूनिट मेटेरियल कॉस्ट पर यूनिट प्रोडक्शन यूनिट दी ठीक है करंटली द कंपनी यूज ट्रेडिशनल तो छह रुपए पर आवर हमारा मशीन आर रेट है उस पर हम रिकवर कर रहे हैं इसमें क्वेश्चन आपको यह नहीं बताता कि ओवर हेड्स कितने तो अगर आपको तो नहीं बताया कोई बात नहीं आप ये बताइए मशीन आर्ट कितने हुए तीन हजार यूनिट दस मशीन आर तीस हजार हो गए पांच हजार यूनिट 18 मशीन आर नब्बे हजार हो गए और बीस हजार यूनिट फोर्टीन मशीन आर तो दो लाख अस्सी हजार मशीन आर हो गए तीनों को जोड़ लीजिए तीस हजार नब्बे हजार दो अस्सी तो चार लाख ,00 मशीन आर हमने काम किया है एक मशीन आर के छह रुपए तो इसका अंदर हमारा खर्चा चौबीस लाख ,00 रुपए है तो सबसे पहले तो आपको इसमें ओवरहेड ढूंढने होते हैं ठीक है लेबर का रेट बीस रुपए एक घंटे का है कंपनी प्रपोज टू यूज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम एंड एक्टिविटी एनालिसिस इज गिवन बिलो इन्होंने यहां पर बोल दिया कि हमारी चार एक्टिविटी हैं ए वन ए टू ए फोर ये बोल दिया चारों एक्टिविटी पे ओवरहेड ऐसे बटेंगे बीस तीस चालीस दस लेकिन ओवरहेड कितने है, वो तो हमें पता नहीं थे तो पहले ओवरहेड निकालने पड़ेंगे चौबीस लाख आ गए अब बीस परसेंट इसके हैं तो फोर पॉइंट एट लेख इसके थर्टी परसेंट है तो चौबीस का थर्टी परसेंट हो गया सेवन पॉइंट टू लेख सेवन पॉइंट टू लेख फोर्टी परसेंट हो गया नाइन पॉइंट सिक्स लेख और टेन परसेंट हो गया टू पॉइंट फोर लैख ये इनके खर्चे बट गए तो सबसे पहले तो हमें इनके खर्चे निकालने पड़ेंगे ये खर्चे यहां पर दिखा दिए फोर एटी नाइन सिक्सटी टू फोर्टी और सेवन ट्वेंटी ये चारों के खर्चे आ गए ट्वेंटी फोर्टी टेन थर्टी ट्वेंटी थर्टी अच्छा ऊपर नीचे कर रखें ठीक है अब ये हमारे पास खर्चे आ गए कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट ऑफ इच प्रोडक्टिंग ट्रेडिशनल नब्बे लेबर का रेट बीस रुपए है चार घंटे बीस रुपए अस्सी हो गए बारह घंटे बीस रुपए दो सौ चालीस हो गए आठ घंटे बीस रुपए एक सौ साठ रुपए हो गए ओवरहेड मशीन आर पर छह रुपए है दस मशीन आर छह रुपए से साठ रुपए अट्ठारह मशीन आठ छह रुपए से हो गए आपके एक सौ बारह रुपए और यहाँ पर छह रुपए से हो गए फोर्टीन इंटू सिक्स एटी फोर तो ये तो अपना सीधा आ गया नाइनटी एट्टी वन ट्वेंटी लेबर जोड़ दी और ओवर हेड जोड़ दी ओवरहेड एक सौ तो आठ एटीन मल्टीप्लाई सिक्स होता ये कॉस्ट पर यूनिट निकल कर आ गई इसमें कोई दिक्कत नहीं है इसमें सिर्फ पर यूनिट तक पूछा है छोटा है तो दो से तीन नंबर के आसपास आपको दे देगा इसमें अब मेन आएगा कि आपको भाई कॉस्ट पर यूनिट एबीसी से निकालनी है ठीक है अब हमारे पास ए बी सी से खर्चे आ गए फोर पॉइंट एट सेवन पॉइंट टू नाइन पॉइंट सिक्स टू पॉइंट फोर दूसरे पार्ट में पूछा कॉस्ट पर यूनिट एबीसी से बताओ अब इनको बांटेंगे कैसे कैसे यह देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है मशीन सेटअप मशीन ऑपरेशन कॉस्ट इंस्पेक्शन कॉस्ट और मशीन प्रोक्योरमेंट मेटेरियल प्रोक्योरमेंट रिलेटेड कॉस्ट यहां पर आपको कुछ डेटा दिया है बैच साइट इन यूनिट्स नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर पर बैच नंबर ऑफ इंस्पेक्शन पर बैच तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर आपको बैच साइड बताया है नंबर ऑफ बैच नहीं बताया तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ बैच निकाल देंगे इसकी 3000 बनानी है, एक बैच में एक सौ पचास बनाओगे तो नंबर ऑफ बैच इसके लगेंगे ट्वेंटी नंबर ऑफ बैच ठीक है इसकी पांच हजार यूनिट बनानी है हर बैच में पांच सौ तो नंबर ऑफ बैच दस इसकी बीस हजार यूनिट हर बैच में ये तो बीस तो आपके पास सबसे पहले नंबर ऑफ बैच आ गए ट्वेंटी टेन ट्वेंटी अब हमारा जो मशीन का सेटअप होता है वो एक बैच के लिए एक बार सेटअप होता है तो सेटअप कॉस्ट नंबर के रेशो में चार लाख अस्सी हजार रुपए बांट दो तो चार लाख अस्सी हजार ट्वेंटी टेन ट्वेंटी के रेशो में बांट के एक बार देखो चार अस्सी डिवाइड बाई फिफ्टी ट्वेंटी एक लाख बयानवे हजार नाइनटी सिक्स थाउजेंड और एक लाख बयानवे हजार ठीक है अब जो देखिए यहां पर सेटअप कॉस्ट एक बयानवे नाइन्टी सिक्स एक बयानवे तीनों बट गए अपना तो सिंपली जो भी आपका खर्चा है वो रेशो में बांट लीजिए आपका काम हो जाएगा रेशो में बांटिए आपको अननेसेसरी पहले कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालने उसके बाद में एक कॉस्ट पुल बना यह सबकी जरूरत नहीं है इसमें तो आपका कोई ना कोई क्वेश्चन छूटने के चांस रहते हैं तो सिंपली रेशो में बांटिए बिना बाो के मत चलिए रेशो आसान है नंबर पूरे मिलते हैं ओके okay. इसके बाद में मशीन ऑपरेशन कॉस्ट तो मशीन ऑपरेशन को मशीन आर्ट्स पे बांट देंगे हमारे पास जो बेस लिया है स्टडी मैट में सेटअप को नंबर ऑफ बैच पे बांट दिया मशीन ऑपरेशन कॉस्ट को मशीन आर्ट्स में बांट देंगे मेटेरियल परचेज रिलेटेड कॉस्ट नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर और इंस्पेक्शन नंबर ऑफ इंस्पेक्शन पे आ जाएगा ठीक है अब यहां पर हमारे पास देखेगा मशीन आर्ट्स कितने हैं हमारे पास मशीन हमने निकाले थे तीस हजार नब्बे हजार और दो अस्सी तो ये जो खर्चा है मशीन ऑपरेशन का खर्चा ये तीस हजार नब्बे हजार और टू एटी थाउजेंड इस रेशो में बढ़ जाएगा सात लाख बीस हजार फिर इंस्पेक्शन कॉस्ट क्वेश्चन ने कहा है नंबर ऑफ इंस्पेक्शन पर बैच बीस बैच हैं पांच इंस्पेक्शन सो इंस्पेक्शन हो गए दस बैच चार इंस्पेक्शन चालीस इंस्पेक्शन हो गए बीस बैच तीन इंस्पेक्शन साठ इंस्पेक्शन हो गए तो हंड्रेड इज टू फोर्टी इज सिक्सटी के रेशो में नाइन सिक्सटी बांट लीजिए और फिर कह रहा है नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर पर बैच हर बैच में कितने परचेज ऑर्डर हैं बीस बैच तीन ऑर्डर सिक्सटी दस मल्टीप्लाई बाई दस बैच हंड्रेड एट मल्टीप्लाई बाई ट्वेंटी वन सिक्सटी तो ये खर्चा इस रेशो में ये खर्चा इस रेशो में इस रेशो में, में और इस रेशो में बांट दीजिए आपके पास एक्टिविटी बेस्ड कितनी कॉस्ट निकल कर आ रही है निकल जाएगी ये क्वेश्चन छोटा भी पड़ेगा आपको और आसान भी अगर आप चाहो कि भाई हमारे हाथ पे तो पैटर्न सेट है तो आप सिंपली ये कर सकते हो कि इनके चारों के खर्चे तो आ गए आपके पास फोर एटी सेवन ट्वेंटी नाइन सिक्सटी टू फोर्टी इसको रख लीजिए इनके जो बेस हैं वो रख लीजिए नंबर ऑफ बैच पचास आए थे नंबर ऑफ इंस्पेक्शन दो नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर तीन बीस और मशीन आर्ट चार लाख और रिकवरी रेट निकाल कर फिर रिकवर कर लीजिए इसमें आपका एक स्टेटमेंट एक्स्ट्रा बनेगा बस ये आप ध्यान रखेगा नंबर इसके कोई एक्स्ट्रा नहीं मिलने एक क्वेश्चन है हमारे पास बीबीक्यू क्यू फोर्टी एट जो स्टडी मैट का क्वेश्चन है इसमें बच्चे थोड़े से घूम जाते हैं कि किस तरीके से दिया हुआ है क्वेश्चन बहुत सिंपल है बस इसमें बात को थोड़ा सा मेटेरियल की तरफ ज्यादा झुका बोला गया है पढ़ते हैं बेबी सॉफ्ट इजर ग्लोबल ब्रांड क्रिएटेड बाई बायो ऑर्गेनिक लिमिटेड कंपनी मैन्युफैक्चर थ्री रेंज ऑफ ब्यूटी शॉप बेबी सॉफ्ट बेबी सॉफ्ट गोल्ड बेबी सॉफ्ट पर्ल बेबी सॉफ्ट डायमंड गोल्ड पर्ल डायमंड तीन इनके प्रोडक्ट हो गए द बजटेड कॉस्ट एंड प्रोडक्शन फॉर दर एंड गिवेन बिलो गोल्ड के चार हजार यूनिट पर्ल्ड की तीन हजार और डायमंड की दो हजार यूनिट हम बनाने वाले हैं ठीक है इसके अंदर सबसे पहले जो मेटेरियल कॉस्ट लेनी है वो देखे कैसे आएगी इसमें एसेंशियल ऑयल कोकोआ बटर फिल्टर वाटर और केमिकल ये चार मटेरियल है और इसके बाद में फिर लेबर दी गई है लेबर तो आसान है तीस मिनट काम किया दस रुपए का रेट है पांच रुपए हो गए चालीस मिनट काम किया दस रुपए का रेट है तो दस रुपए साठ मिनट के तो चालीस के कितने सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन हो गए और साठ मिनट काम किया है दस रुपए का रेट तो पूरे दस रुपए हो गए तो लेबर तो सिंपल है पांच रुपए सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन और दस 5 और दस। लेबर में कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अब दो सौ रुपए का सौ एम एल है एक सौ बीस रुपए का दो सौ रुपए का सो ग्राम है तो बीस ग्राम कितने का आएगा चालीस रुपए का पंद्रह रुपए का सो एम है तो तीस एम कितना आएगा फोर पॉइंट फाइव का और 30 रुपए का 100 ml है तो 10 ग्राम कितने का आएगा रुपए का ये मटेरियल कॉस्ट हो गई पहले वाले की तो 120 40 4.5 एंड 3 167.5 पहले मटेरियल की पहले वाले प्रोडक्ट की कॉस्ट हो गई मटेरियल ये आ गया 167.5 ऐसी दूसरे 30 से की कॉस्ट आ जाएगी ठीक है अब क्वेश्चन आगे कह रहा है बायो ऑर्गेनिक लिमिटेड फॉलोड एन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम एंड एबजोर्व इट्स प्रोडक्शन ओवर टू प्रोडक्ट यूजिंग डायरेक्ट लेबर आर रेट विच नाइनटी एट थाउजेंड तो एक लाख नाइनटी एट थाउजेंड के ओवर हेड है तो लेबर आर आपको निकालने पड़ेंगे लेबर आर कैसे निकलेंगे जरा देखिए चार हजार यूनिट तीस मिनट दो हजार घंटे हो गए प्लस तीन हजार यूनिट चालीस मिनट तीन हजार यूनिट चालीस मिनट डिवाइड बाई सिक्सटी इसके भी दो हजार घंटे हो गए प्लस दो हजार यूनिट साठ मिनट ये भी दो हजार घंटे घंटे तो कितने हो गए थर्टी थ्री का आधा निकाल लो योगे सिक्सटीन पॉइंट फाइव चालीस मिनट के कितने योग्य बाईस रुपए और साठ मिनट के थर्टी थ्री तो ये आ गए जी सिक्सटीन पॉइंट फाइव ट्वेंटी टू थर्टी थ्री इनकी पर यूनिट कॉस्ट और टोटल कॉस्ट आ गई इसके पांच नंबर देगा फाइव मार्क्स तो एब्जोर्शन से निकालने के पांच नंबर हो गए अब हमारे पास पहला पॉइंट था कि यूनिट कॉस्ट और टोटल कॉस्ट एबजॉर्शन से बताओ अगला क्या पूछेगा अगला कहेगा एबीसी से बताओ फिर तीसरा पूछता है कि डिफरेंस क्यों आता है दोनों में नॉर्मल डिफरेंस इसलिए आता है क्योंकि ओवरहेड लेने का बेस अलग अलग है तो हमारे पास पहले एब्जॉर्शन के बेसिस पर आ गया अब एबीसी के बेस पर निकालना है ठीक है जी

अब हमारे को इन तीनों प्रोडक्ट के लिए मैं प्रोडक्ट का नाम यहां पर है गोल्ड पर्ल और डायमंड गोल्ड पर्ल डायमंड ये मैंने लिख दिया अब मैं इनके रेशियो निकाल के बताता हूं आपको सबसे पहले तो डायरेक्ट लेबर आर दो हजार दो हजार दो हजार ये आ गए तीनों के दो हजार दो हजार दो हजार ठीक है जी तो साठ हजार तो वन टू वन टू वन, 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 वन में बट गया बीस बीस हजार रुपए बट गए आंसर कहा है इसका अच्छा इन्होंने पर यहाँ पर एबीसी में इन्होंने पर यूनिट निकाल दिया है मैं टोटल में बता रहा हूं आपको कोई बात नहीं तो बीस हजार बीस हजार बीस हजार आगे तीनों के अंदर बटके इसके बाद में नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशन है कह रहे हैं नंबर ऑफ ऑपरेशन पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन फाइव फाइव सिक्स है तो यहां पर यूनिट चार ऑपरेशन पांच तो ये हो गया बीस ऑपरेशन इसके भी पांच ऑपरेशन तीन हजार यूनिट पर तो पांच के पंद्रह हजार ऑपरेशन और इसके छपरेशन दो हजार पर बारह तो रेश तो के रेशो में बढ़ जाएगा।, जाएगा इसमें सबसे मेजर है ये वेट वाला वेट में बच्चे कंफ्यूज होते हैं जबकि है बड़ा ही सिंपल वेट का सीन क्या है इसके अंदर चार मेटेरियल है टोटल इसको मैं कर रहा हूं आपका कट लेबर को जिससे ध्यान ही ना जाए ठीक है जी ये चार मेटेरियल हैं तो मेटेरियल का जो वेट होता है वो ग्राम्स में होता है तो ये जो दस ग्राम है और बीस ग्राम है इसमें कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत है ये जो एम है एम वाले में दिक्कत है कि एम तो लिक्विड हुआ तो क्वेश्चन ने कहा है कि ऐसा है जी आपको वन लीटर ऑयल का एसेंशियल ऑयल का वेट पॉइंट एट के और फिल्टर वाटर का वेट, वेट वन के मानना है तो वन लीटर फिल्टर्ड वाटर वन लीटर में होते हैं वन थाउजेंड एम एल वो एमल वन के जी यानी वन थाउजेंड ग्राम के बराबर हो गया तो फिल्टर वाटर का एक एम एल एक हजार एम एल एक हजार ग्राम के बराबर है यानी एक एम एल एक ग्राम के बराबर है तो ये तो एम एल की जगह में ग्राम लिख सकता हूं एक एम एल एक ग्राम के बराबर है तो एक ग्राम हो गया तीस एम एल तीस ग्राम के बराबर होगा और ये जो दूसरा वाला है हमारे पास ये तो हो गया जी ये वाला जो है इसके लिए कह रहा है कि एसेंशियल ऑयल का वन लीटर यानी 1000 ml, kg, यानी 800 के बराबर है तो एट हंड्रेड ग्राम हो गए और ओके तो यहां पर इसके सिक्सटी एम एल है तो ये सिक्सटी एम एल पॉइंट एट से मल्टीप्लाई होंगे अब देखिए वेट कैसे निकलेगा फोर्टी एट ग्राम ट्वेंटी ग्राम थर्टी ग्राम एंड टेन ग्राम जोड़ लीजिए कितना हो गया फोर्टी एट प्लस ट्वेंटी प्लस थर्टी प्लस टेन वन जीरो एट ग्राम चार हजार यूनिट पर वन जीरो एट ग्राम चार हजार यूनिट पर फोर लेख थर्टी टू थाउजेंड ग्राम हो गया इसको फोर थर्टी टू के जी बोल सकते हैं हम किलोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं ठीक है अब इसके ग्राम जोड़ते हैं ट्वेंटी थर्टी ट्वेल्व से मल्टीप्लाई होगी हो 44. तो 44 हो वजन मल्टीप्लाई बाई थ्री थाउजेंड यूनिट थ्री लैक एटीन थाउजेंड ग्राम या तीन सौ अट्ठारह किलोग्राम हो गया ये इसके बाद लास्ट वाला इसकी पॉइंट एट से मल्टीप्लाई 65 मल्टीप्लाई पॉइंट एट ग्राम 52 52 का हो गया ये मल्टीप्लाई तो अगर किलोग्राम लू तो चार पर बत्तीस किलोग्राम तीन सौ अट्ठारह किलोग्राम और दो सौ चौतीस किलोग्राम आ गया तो ये हमारे पास वेट आ गया चार 318 बत्तीस तीन और दो चौतीस इसमें बच्चे सोचते हैं कि तरह से से निकलेगा बड़ा सिंपल है। है, जिस प्रोडक्ट का जितना वेट है, उसके वेट वेट उसके को जोड़ो, नंबर ऑफ मल्टीप्लाई करते जाओ, आपके पास वेट निकल कर आता तो तो खर्चा कैसे बटेगा फिफ्टी एंडीन टू थर्टी फोर के रेशो में बांटो सिक्सटी था एटी थाउजेंड को ट्वेंटी फिफ्टीन ट्वेल्व के में बांटो मेटेरियल और लेबर आपको प्रोडक्ट तो की कॉस्ट निकल कर आ जाएगी क्वेश्चन खत्म हो जाएगा ओके इसके बाद में हमारे पास है एक क्वेश्चन हमारे पास इन्होंने क्या डेवलप किया हुआ है इसकी रिक्वायरमेंट में दिखाऊंगा आपको ये कहते हैं कि फैमिली स्टोर करंटली एलोकेट सपोर्ट कॉस्ट कहते हैं जो हमारी सपोर्ट कॉस्ट है ऑल कॉस्ट अदर देन सीओजीएस सीओजीएस को छोड़कर जितना भी खर्चा है वो सारा बटेगा ऑन द बेसिस ऑफ सीओजीएस तो एक कहते हैं कि सीओजीएस के अलावा वाला खर्चा सीओ जी एस के रेशो में बांटो रिक्वायरमेंट नंबर वन तो इस क्वेश्चन में रिवेन्यू और सीओ जी एस दोनों दिए जाते हैं आपको खुद ही तो खुद दिया हुआ है अब इसके बाद में जो सपोर्ट कॉस्ट है सपोर्ट कॉस्ट यहां पर आपको दी गई है ये ये सपोर्ट कॉस्ट है तो इनके पास जो सपोर्ट कॉस्ट है वो बेसिकली एक्टिविटीज है ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव पांच एक्टिविटीज है तो पांचों एक्टिविटीज का खर्चा दे दिया पैंतालीस लाख रुपए का खर्चा है सपोर्ट कॉस्ट ठीक है अब ये कह रहे हैं जो हमारे पैंतालीस लाख का खर्चा है इसे सीओ जी एस के रेशो में बांट दो सीओ जी एस का रेशो क्या है थर्टी सेवन फोर्टी फाइव थर्टी सेवेंटी फाइव फोर्टी फाइव के रेशो में पैंतालीस लाख रुपए को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो पहली रिक्वायरमेंट बस इतनी रहती है इसमें। तो पहली रिक्वायरमेंट में हमारे पास सेल दी हुई है, है, में। है, में। अब जो हमारा 45, है वो आप थर्टी फाइव थर्टी सेवन और फोर्टी फाइव ये हो गया एक सौ पचास तो पैंतालीस लाख डिवाइड बाई एक सौ पचास मल्टीप्लाई बाई थर्टी करोगे तो यहां पर आंसर आ जाएगा पैतालीस लाख डिवाइड बाई एक सौ पचास मल्टीप्लाई बाई थर्टी इसका सेवन से मल्टीप्लाई करोगे ट्वेंटीप्लाई करोगे टोटल कॉस्ट निकल कर आ गई सेल में से टोटल कॉस्ट माइनस करो प्रॉफिट निकल कर आ गया प्रॉफिट परसेंटेज निकाल दो ठीक है तो पहला तो है सीओ जी एस के रेशो में पैंतालीस लाख रुपए को बांट दो ये तो आसान है अब दूसरे में क्या करेगा दूसरे में एक्टिविटी वाइज खर्चा बटवाएगा ये पूरा का पूरा सेकंड में कह रहा है कि अब आपको सपोर्ट कॉस्ट प्रोडक्ट लाइन पे बांटनी है एक्टिविटी बांटेंगे साठ हजार रुपए लगे डायरेक्ट ट्रेसिंग टू सॉफ्ट ड्रिंक लाइन ये सॉफ्ट ड्रिंक वाले पे ही डालना है तो सॉफ्ट ड्रिंक हमारा पहला प्रोडक्ट है साठ हजार रुपए इसके सर पे चले गए ठीक है जी फिर कह रहे हैं प्लेसिंग ऑफ ऑर्डर फॉर परचेज ऑर्डरिंग पोस्ट है 780, 1560 हैं। तो आप सेवन लैक एटी थाउजेंड का खर्चा फिफ्टी सिक्सटी ऑर्डर पर है अब यहां पर इनके ऑर्डर दिए हुए हैं तो 360 ऑर्डर पे कितना होगा 840 पे कितना होगा 360 पे कितना होगा ठीक है जी बटिया इसमें हमें रिकवरी रेट खुद दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर फिर कह रहे हैं डिलीवरी बारह लाख साठ हजार रुपए का खर्चा है 3150 डिलीवरी का तो बारह लाख साठ हजार का खर्चा है थ्री वन फाइव जीरो का तो तीन सौ डिलीवरी का कितना टू वन नाइन जीरो काउजेंड का खर्चा है एट सिक्स का तो फाइव फिफ्टी का फिफ्टी फोर हंड्रेड का ट्वेंटी सेवन हंड्रेड आर्स का कितना होगा और फिर फिफ्टीन थर्टी सिक्स थाउजेंड का खर्चा है कस्टमर सपोर्ट का फिफ्टीन थर्टी सिक्स का यानी एक यूनिट पर एक रुपया खर्च हो गया तो इसकी एक लाख छब्बीस हजार यूनिट है इसकी ग्यारह लाख समथिंग यूनिट है इसकी थ्री लाख समथिंग यूनिट है एक एक रुपया पर यूनिट आ गया तो ये पांचों एक्टिविटी वाइज बांटिए और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा तो यहाँ पर अब आपको एक्टिविटी वाइज दिखाना पड़ेगा एक्टिविटी वन टू थ्री फोर फाइव खर्चे को बांटिए प्रॉफिट निकलकर आ जाएगा क्वेश्चन खत्म तो एक टाइप होता है कि सीओजीएस पे पहले खर्चा पटवाएगा फिर एबीसी से इससे पीछे वाले जो क्वेश्चन थे उसमें क्या था नॉर्मल ट्रेडिशनल का तरीका दिया होता अगर आप देखेंगे जो क्वेश्चन इसमें हमने रखे हैं सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर ओवरहेड खुद दिए हुए थे ये बीबी -क्यू।, बी -बी क्यू फोर्टी सिक्स में ओवरहेड गिवन था तो कैसे बेटा वो देखे। देखा हमने बीबी -बी क्यू फोर्टी सेवन के अंदर ओवरहेड गायब थे हमें निकालने पड़े थे कि भाई फोर लाख मशीन आर है सिक्स रुपीज का रेट है तो चौबीस लाख का खर्चा होगा फिर ओवरहेड इनके रेशो में बांटे गए थे तो एक में ओवरहेड गिवन थे दूसरे में ओवरहेड गायब थे तीसरा क्वेश्चन हमने लिया जिसमें वेट का गेम था और बच्चा वेट में कंफ्यूज होता तो वो वेट देखा हमने इसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास आया कि हम खर्चा सीओजीएस के रेशो में बांट रहे हैं या फिर एबीसी पर बांट रहे हैं ठीक है अब हमारे पास क्वेश्चन है बीबीक्यू क्यू फिफ्टी एबीसी लिमिटेड मैन्युफैक्चर टू टाइप ऑफ मशीनरी इक्विपमेंट वाई एंड जेड ठीक है जी दो मशीन इक्विपमेंट है बेसिस ऑफ लेबर आर लेबर आर के बेसिस पर ओवरहेड को रिकवर करेगा बजटेड ओवरहेड और बजटेड लेबर आर ट्वेल्व हंड्रेड एंड ट्वेंटी है तो यहां से हमारे पास ओवरहेड का रेट निकल जाएगा ट्वेल्व फोर्टी टू फाइव हंड्रेड डिवाइडेड बाई ट्वेंटी था टू पॉइंट पर लेबर आर आ गया ये। ठीक ओवरहेड का रेट निकल गया अब क्वेश्चन ने बता दिया बजटेड प्रोडक्शन ट्वेंटी डायरेक्ट कॉस्ट तीन सौ और, और साढ़े चार सौ रुपए है लेबर कॉस्ट फोर फिफ्टी और सिक्स हंड्रेड रुपीज है और पर लेबर आर सिक्स के लेबर कर वो लगाना है इसके यहां पर तीन घंटे काम हुआ है इसके यहां पर चार घंटे तो तीन घंटे का सिक्सटी टू पॉइंट से और चार घंटे का सिक्सटी टू पॉइंट से आप निकाल देंगे ये आपके पास कॉस्ट निकल आएगी एब्जोर्शन के बेसिस पर तो इसमें पहले हमसे के basis पे है, फिर एबीसी के बेसिस पर निकलवाएगा और इसके बाद में पूछता है cost distortion, under over costed आपको है आपको बताना कि किस प्रोडक्ट की ज्यादा लगी हुई है और किस प्रोडक्ट की कॉस्ट कम लगी हुई है ठीक है तो पहले हमने एब्जोर्शन कॉस्टिंग से निकाल दिया ये पांच नंबर में आने के चांस बनते हैं इसके ये छोटा होता है बहुत तो इसमें मटेरियल भी आपको दिया है लेबर भी दिया है ओवरहेड का रिकवरी रेट कर कैलकुलेशन कर ली अब देखिए कह रहे हैं एबीसी लिमिटेड के जो ओवर हेड है ट्वेल्व फोर्टी टू फाइव हंड्रेड वो हम ऑर्डरिंग ऑर्डर प्रोसेसिंग मशीन प्रोसेसिंग प्रोडक्ट इंस्पेक्शन इन तीन एक्टिविटीज में बांट रहे हैं तीनों का खर्चा भी बता दिया कि दो लाख दस हजार एट सेवेंटी फाइव और फिफ्टीन सेवनटी वन फिफ्टी सेवन फाइव हंड्रेड है ठीक है अब जरा देखिए जो पहली एक्टिविटी है ऑर्डर प्रोसेसिंग उसको हम नंबर ऑफ ऑर्डर के रेशो में बांट देंगे एक्स और वाई में सॉरी वाई और जेड में थ्री फिफ्टी टू फिफ्टी के रेशो में दो लाख दस हजार रुपए बट गए इसके बाद में दूसरा है मशीन प्रोसेसिंग तो मशीन प्रोसेसिंग को मशीन आर के रेशो में बांट देंगे तो एट लैक सेवेंटी फाइव थाउजेंड का खर्चा ट्वेंटी थ्री इ्वेंटी सेवन के रेशो में बट जाएगा ठीक है और फिर लास्ट खर्चा इंस्पेक्शन वाला इंस्पेक्शन आरस के रेशो में बट जाएगा फोर इलेवन में वन फिफ्टी सेवन फाइव हंड्रेड बट जाएंगे तो इसमें सब कुछ आपके सामने रखा हुआ है थाली परोसी गई है आपको बस खर्चों को इसे ऑर्डर के रेशो में इसे मशीन आर्ट्स के रेशो में इसे पर ये, ये बताना होना होता है आपको ज्यादा है यानी प्रोडक्ट की कॉस्ट ज्यादा है या कम है तो इसमें हम क्या करते हैं दोनों प्रोडक्ट के प्राइस लिख लेते हैं ट्रेडिशनल से सिक्स था एक्टिविटी बेसिस पर नाइन है हम ये मानते हैं कि एक्टिविटी बेस वाला सही है यानी करेक्ट कैलकुलेशन कौन सी वाली है करेक्ट कैलकुलेशन है आपके पास एबीसी वाली है अब एबीसी से कंपेयर करके बताइए कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी उसमें ज्यादा लगा हुआ है या कम तो 976 की जगह 936 लगे हुए हैं तो ये अंडर कॉस्टेड माना जाएगा तो ट्रेडिशनल अप्रोच ने इसको कम कॉस्ट किया है ठीक है इसके बाद में यहां पर ट्रेडिशनल टेक्निक ने 1266 की जगह 1298 लगाया है तो ओवर कॉस्टेड किया हुआ है तो ट्रेडिशनल अप्रोच और एबीसी को कंपेयर करेंगे दिक्कत यह आएगी कि ओवर अंडर कॉस्टेड ओवर अंडर कॉस्टेड का मतलब है ओवर अंडर वैल्यूड कैसे बताएं तो आपको यह मानना है एबीसी वाला तो सही वैल्यूएशन है और बताना है ट्रेडिशनल ने ज्यादा लगाया है या कम लगाया है तो एबीसी वाला सही है 976,

इसके बाद में एक क्वेश्चन आता है बीबीक्यू क्यू फिफ्टी वन इसके अंदर ये आपको पांच अलग अलग कस्टमर देता है ये जो इसमें क्वेश्चन है इनके अलावा एबीसी में कोई क्वेश्चन नहीं है ना कोई नए टाइप का क्वेश्चन बन सकता है तो जितने भी क्वेश्चन है वो इसी के अंदर रखे हुए हैं तो यहां पर आपको पांच अलग अलग कस्टमर ये दे देता है कह रहे हैं कि हम क्या करते हैं हम नब्बे रुपए के हिसाब से बोतल को खरीदते हैं और 108 के हिसाब से हमें बेचना है जो इसका एमआरपी है वो 108 है ठीक है अब यहां पर बता दिए यूनिट ए बी सी डी ई e में कितनी बेची है ठीक है जी ये बी सी डी ई में यूनिट बता दी लिस्ट प्राइस यानी एम आर पी एक सौ आठ रुपये वो तो और एक्चुअल सेल प्राइस यानी डिस्काउंट देकर इसको एक सौ आठ का एक सौ आठ में दिया है जीरो डिस्काउंट इसको एक सौ आठ का एक सौ छह रुपए में दिया है तो डिस्काउंट हो गई एक रुपए अस्सी पैसे इसको एक सौ आठ का नाइनटी नाइन में दिया है डिस्काउंट हो गई नौ रुपए इसको 108 का एक सौ चार रुपए चालीस पैसे पर दिया डिस्काउंट हो गई तीन रुपए साठ पैसे और इसको एक सौ आठ का दिया ठीक है तो इसके अंदर पहला दूसरा केस तो सिंपल है इसके अंदर एक पॉइंट है कि आपने क्या इंसाइट देखा लिस्ट प्राइस और एक्चुअल सेल प्राइस को देखते हुए हर कस्टमर का तो ये इंसाइट आपसे पूछता है कि आपको क्या नजर आ रहा है तो यहां पर देखिए आप ये बताइए सबसे कम क्वांटिटी किसने खरीदी है और सबसे ज्यादा किसने तो मैं सबसे ज्यादा से शुरू करता हूँ सबसे ज्यादा क्वांटिटी सी ने खरीदी है मैं इसको देता हूँ रैंक वन उसके बाद में डी ने खरीदी है रैंक टू उसके बाद में खरीदी है बी ने रैंक थ्री उसके बाद खरीदी है ई e ने रैंक फोर और उसके बाद खरीदी है ए e ने रैंक फाइव ठीक है मैंने रैंक दे दी क्वांटिटी के हिसाब से कायदे में जिसने ज्यादा क्वांटिटी खरीदी है उसे सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलना चाहिए तो देखिए सी को डिस्काउंट मिला है रैंक वाले को मिला है तीन रुपए साठ पैसे सी को नौ तो रुपए और सेकेंड रैंक वाला है टी थ्री पॉइंट सिक्स इसके बाद में है बी इसको वन पॉइंट एट के डिस्काउंट मिली है इसके बाद में ई e और फिर ए ए को कोई डिस्काउंट ही नहीं मिली रैंक वाइज तो इसको सबसे ज्यादा डिस्काउंट इसे उससे कम इसे उससे कम जितनी क्वांटिटी कम खरीदोगे उतनी आपकी डिस्काउंट कम होती जाएगी इसने वन थर्टी सिक्स एट हंड्रेड खरीदा है इसने सेवेंटी वन फाइव फिफ्टी यूनिट खरीदी हैं इसने खरीदा है नाइनटीन सिक्स एटी एट और इसने खरीदा है फोर सिक्स एट जीरो ठीक है अब बीच में ई आ जाता है ई ने खरीदा है एट और इसको डिस्काउंट मिली है दस

एनजीओ है अच्छा काम कर रहा है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो हम उसको इसलिए डिस्काउंटेड रेट पे दे रहे हैं क्योंकि एनजीओ अच्छा काम कर रहा है तो उसको डिस्काउंटेड रेट पे मिलेगा वो आगे ज्यादा सर्व कर पाएगा तो ऐसे जेनुअन रीजन भी हो सकते हैं और हो सकता है कि कोई धान हो तो इस पर इंक्वायरी बैठनी चाहिए कि आखिर इसको इतना सस्ता आपने क्यों दिया है जबकि इसकी क्वांटिटी बहुत कम है तो ये आपके पास पांच कस्टमर का बेस आता है उसके बाद वही एबीसी से आपको इसकी इनकम निकालनी है और फिर इनसाइट पूछा जाता है तो इनसाइट इसके अंदर आपके लिए एक नई चीज हो सकती है बाकी क्वेश्चन सेम है क्वेश्चन में कुछ नहीं है इसके बाद में एक ये क्वेश्चन ऐड हुआ था सबसे पहले ये आया आर में फिर उसके बाद ये आया एम में उसके बाद ये स्टडी मैट के अंदर आ गया तो ये सब जगह घूमकर स्टडी मैट में अब अपना पूरा स्थान बना चुका है कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दस नंबर आपको दे जाएगा क्वेश्चन बहुत आसान है हमारा अपना बैंक ऑफर्स थ्री प्रोडक्ट डिपॉजिट लोन और क्रेडिट कार्ड तो एक बैंक है उसके तीन प्रोडक्ट हैं एक है डिपॉजिट जो भी आप डिपॉजिट करते हो एक लोन देना और तीसरा क्रेडिट कार्ड देना ठीक है जी द बैंक हैज सेलेक्टेड फोर एक्टिविटीज इनके पास चार एक्टिविटीज हैं फॉर डिटेल बजटिंग एक्सरसाइज फॉलोइंग एक्टिविटीज बेस्ड फॉलोइंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथड एबीसी को अप्लाई करेंगे बैंक वॉन्ट्स टू नो द प्रोडक्ट वाइज टोटल कॉस्ट पर यूनिट फॉर द सेलेक्टेड एक्टिविटीज सो दैट प्राइस बी फिक्स अकॉर्डिंगली तो ये प्रोडक्ट क्या है इनके डिपोजिट लोन और क्रेडिट कार्ड ये तीन प्रोडक्ट हैं इनके ठीक है इनके लिए कॉस्ट जानना चाहते हैं तो कह रहे हैं द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज मेड अवेलेबल टू फॉर्मुलेट द बजट आपको बजट बनाना है पहले ठीक है जी यहाँ पर एक्टिविटी दे दी यहाँ पर प्रेजेंट कॉस्ट दे दी और यहाँ पर बजट में क्या क्या चेंज होंगे वो बता रहे हैं ठीक है तो सबसे पहली एक्टिविटी है एटीएम सर्विस एक्टिविटी नंबर वन फिर है एक्टिविटी नंबर टू फिर एक्टिविटी नंबर थ्री और फिर एक्टिविटी नंबर फोर तो एटीएम के खर्चे दे दिए अभी कह रहे हैं ये जो मशीन मेंटेनेंस है मेंसार लाख रुपए खर्चा ये फिक्स है कोई चेंज नहीं होगा तो ये चार लाख ही रहेगा ये भी फुल्ली फिक्स है दो लाख रुपए कोई चेंज नहीं होगा तो ये दो लाख ही रहेगा अब करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट एक लाख रुपए है एक्सपेक्टेड है कि ये डबल हो जाएगी तो ये एक लाख से दो लाख हो जाएगी तो हमारा खर्चा ए सर्विस का अब आने वाला है आठ लाख रुपए ठीक है।, है जी। अब दूसरा खर्चा कंप्यूटर प्रोसेसिंग फाइव लाख का खर्चा है क्वेश्चन कह रहा है हाफ ऑफ दिस अमाउंट इज फिक्स तो ढाई लाख रुपए इसके फिक्स हैं। एंड नो चेंज इज एक्सपेक्टेड ठीक है जी तो ये ढाई तो फिक्स हो गए वेरिएबल पोर्शन इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज टू थ्री टाइम्स एट द करंट लेवल तो वेरिएबल पोर्शन कितना है लाख ये कह रहे हैं तीन गुना हो जाएगा यानी साढ़े सात लाख रुपए पे पहुंच जाएगा तो सात लाख वेरिएबल ये आपके दस लाख रुपए हो गए यहां पर ठीक है जी दूसरी एक्टिविटी के तीसरी एक्टिविटी अठारह लाख रुपए का इसका खर्चा है कह रहे हैं प्रेजेंटली तीन लाख स्टेटमेंट हम छापते हैं बजटेड पीरियड में पांच लाख स्टेटमेंट छापेंगे तो अभी तीन लाख स्टेटमेंट छापते हो इन फ्यूचर आप छापोगे पांच लाख फॉर एवरी इंक्रीज ऑफ वन लैख स्टेटमेंट वन लैख रुपीज इज बजटेड इंक्रीज कह रहे हैं हर एक लाख स्टेटमेंट के लिए एक लाख का खर्चा बढ़ जाएगा तो आपके स्टेटमेंट कितने बढ़े हैं दो लाख तो आपका खर्चा भी कितना बढ़ेगा दो लाख तो अभी अट्ठारह है दो लाख बढ़कर ये हो जाएगा बीस लाख रुपए इसके बाद में कह रहे हैं कंप्यूटर इंक्वायरी टू लैख है एस्टिमेटेड टू इंक्रीज बाई एटी परसेंट ये एटी परसेंट रुपीज से बढ़ जाएगा तो दो लाख रुपए का खर्चा अस्सी परसेंट से बढ़ गया तो ये हो गया तीन लाख साठ हजार तो हमारे पास ये चार एक्टिविटीज हैं चारों का खर्चा निकल कर आ गया आठ लाख दस लाख बीस लाख और तीन लाख साठ हजार ठीक है, तो है अब इसके बाद में कह रहे हैं कि एक्टिविटीज के ड्राइवर्स हम आपको बता रहे हैं डिपॉजिट लोन क्रेडिट कार्ड तीन प्रोडक्ट हैं एटीएम नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन के बेसिस पे बटेगा तो एटीएम का जो खर्चा था आठ लाख रुपए वन फिफ्टी इस टू जीरो इस्टु 50, 000, के में बट जाएगा तो इस खर्चे को आप बांट दीजिए डिपोजिट पे छह लाख लोन पे कुछ भी नहीं और इस इसे दो लाख रुपए ठीक है जी इसके बाद में कंप्यूटर का खर्चा था बीस लाख वो फिफ्टीन लैख टू लैख और थ्री लैख के रेशो में बटना है लो जी आ गए आपके पास हमारे पास कितना बीस नहीं था क्या कितना था अच्छा दस लाख का दस लाख का खर्चा था और आपके पास फिफ्टीन इंसू टू इंस टू थ्री के रेशो में बट जाएगा तो ठीक है 1 और लास्ट खर्चा आपका कंप्यूटर इंक्वायरी वाला वो टेलीफोन मिनट के रेशो में तीन लाख साठ हजार का खर्चा है थ्री सिक्सटी वन एटी वन एटी के रेशो में बट जाएगा तो वन एटी नाइन इनकी कॉस्ट निकल कर आ गई नंबर ऑफ अकाउंट से डिवाइड करिए कॉस्ट पर अकाउंट कर आ जाएगा क्वेश्चन क्वेश्चन भी आएगा तो दस नंबर में आएगा जबकि बहुत ही ज्यादा छोटा सा क्वेश्चन है तो ये हमारे पास एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का काम यहां पर खत्म हो गया इसके अंदर जो क्वेश्चन है और जो एडजस्टमेंट है बस वही एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर एडजस्टमेंट आपको मिलेंगी दस नंबर का एक क्वेश्चन जरूर आएगा तो क्वेश्चन के हमारे दस नंबर के पक्के हो गए और दस नंबर इसके इनके क्वेश्चन लिख लिख के कर लीजिए चाहे रफ में कर लो रफ में कर लो कोई दिक्कत नहीं है अच्छा मैंने जैसे रेशो में बांटने वाला तरीका बताया मैंने कहा कोस्ट ड्राइवर अगर मांगे तो बताओ वरना रेशो में बांट दो अगर आपने कहीं से भी पढ़ा है और उसमें कोस्ट ड्राइवर रेट निकाल कर ही आपको करने की आदत है तो आप कोस्ट ड्राइवर रेट निकाल के कर लो बस थोड़ा सा फास्ट करना है क्योंकि उसमें टाइम कंज्यूम होता है किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकता है वो यहां पर काम खत्म हो गया है पूरा ये दो चैप्टर हमारे खत्म हो गए बल्कि तीन कह सकते हैं तो हमारे पास कोशीट डायरेक्ट एक्सपेंस स्टैंडर्ड मार्जिनल और एक्टिविटी खत्म हो गया है और अभी हमारे पास ठीक है हाँ जी बच्चा पूछ रहे उदय सर ये इतने बड़े बड़े टेबल बनानी पड़ जाती है पेपर में तो हॉरिजॉन्टल करके बना सकते हैं बिल्कुल बना सकते हैं अलाउड है वो सर टोटल कॉस्ट बेसिस पे निकालें या यूनिट कॉस्ट बेसिस पे निकालें कौन सा आसान रहेगा देखो जो ट्रेडिशनल अप्रोच का है वो यूनिट बेस पे निकालो यूनिट के बेसिस पर ट्रेडिशनल पर यूनिट के बेसिस पे निकालो और एक्टिविटी वाला टोटल के बेसिस पे निकालो तो हमेशा आसान पड़ेगा क्लियर है सभी को ओके तो हम लोग मिलेंगे अब इवनिंग में इवनिंग में हम लोग करते हैं आज प्रोसेस करेंगे ज्वाइंट एंड बाइ प्रोडक्ट करेंगे इवनिंग में प्रोसेस और ज्वाइंट एंड बाई प्रोडक्ट करेंगे और इसके बाद हमारे पास छोटे छोटे से रह जाएंगे अगर आप लोग कहो तो हम एक चैप्टर और कर सकते हैं अभी जॉब एंड बैच पोस्टिंग छोटा सा चैप्टर है एक बार पोल डाल के देख लेते हैं वरना इवनिंग में तो सेशन है ही एक और चैप्टर हाँ जी मैंने पोल डाल दिया क्या हम एक और चैप्टर को ऐड कर सकते हैं अभी कैपेसिटी है आप लोगों की ठीक है बच्चे कह रहे हैं कि एक चैप्टर हम लोग अभी और कर सकते हैं तो हम एक चैप्टर में अभी प्रोसेस कॉस्टिंग को उठाएंगे और बीच में ब्रेक ले लेते हैं इतने एक दस मिनट का दस मिनट के ब्रेक के बाद हम प्रोसेस कॉस्टिंग को उठा लेंगे प्रोसेस 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 प्रोसेस, प्रोसेस कॉस्टिंग एक चैप्टर हम प्रोसेस कोस्टिंग और उठा रहे हैं डन फिर इवनिंग का सेशन में और छोटी चीजें कर लेंगे. तो दस मिनट का ब्रेक लेते हैं और उसके बाद में उसे हो जाएगा। तीन दिन में पूरा कॉस्टिंग का रिविजन कंसेप्ट और क्वेश्चन सारे काम खत्म हो जाएंगे तो हम लोग लेते हैं इसमें फिफ्टीन मिनट्स का एक ब्रेक ले लेते हैं आराम से चाय खाना पीना जो करना है कर लो बारह सोलह हो रहे हैं पंद्रह मिनट का ब्रेक बारह तीस पे शुरू करते हैं बारह तीस पर ठीक है जी ट्वेल्व थर्टी पर स्टार्ट करते हैं इसको हेलो 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 वन टू फोर वन टू फोर अब हमारे पास बड़ा सिंपल सा चैप्टर है प्रोसेस एंड ऑपरेशन पोस्टिंग प्रोसेस एंड ऑपरेशन आ पोस्टिंग हाँ जी And बहुत ही सिंपल है बहुत ही आसान सा चैप्टर है इसमें कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा एक बच्चा कह रहा है कि एमसी अभी ना बूस्टर के खत्म होते ही थ्योरी का एक लेक्चर आएगा जिसमें इंपॉर्टेंट थ्योरी जो एग्जाम ओरिएंटेड है अगर आप पूरी थ्योरी देखोगे ना स्टडी मैट में तो कम से कम साढ़े पांच सौ पेज की थ्योरी है लेकिन उसमें से सिर्फ चालीस पचास क्वेश्चन ही है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं तो वो सलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे और एमसी स्टडी मैट के जितने है, वाले हैं बस ये खत्म हो जाए इसके बाद में और लेक्चर भी दो ढाई घंटे का है वो दो ढाई घंटे में पूरा खत्म हो जाएगा वो थ्योरी का लेक्चर पेंडिंग है हम लोग तो ये एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कि आईसीआई और एम रिलीज करेगा पर आईसीआई ने पोस्टिंग और एफ के एम रिलीज नहीं किए उसका रीजन ये है जहां तक मेरे को लगता है सारे यानी जैसे कोई भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन दिया और उसके नीचे मान लो पांच रिक्वायरमेंट थी तो पांच रिक्वायरमेंट के चार चार ऑप्शन दे दिए आर टीपी आप सब देखी ली होगी तो एप्लीकेशन ओरिएंटेड एमसीक्यू आएगा तो वो तो सिंपल ही हो गया अब हम देखते हैं प्रोसेस कोस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग कॉस्टिंग बिल्कुल सिंपल है इसके अंदर एक तो बनता है नॉर्मल प्रोसेस अकाउंट नॉर्मल प्रोसेस अकाउंट आपको कैसा दिखेगा आराम से टू में खर्चे लिखते जाइए यूनिट्स लिखिए अमाउंट लिखिए बाई में नॉर्मल लॉस लिखेंगे उसकी यूनिट्स लिखेंगे और स्क्रैप जो बिकेगा वो लिख देंगे फिर हमें दूसरा काम क्या करना होगा जितनी भी हमारी कॉस्ट है उसमें से नॉर्मल लॉस का स्क्रैप माइनस करके हमारे पास आ जाएगी नेट कॉस्ट तो टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप माइनस करेंगे और डिनोमिनेटर में हमारी जो यूनिट थी उसमें से नॉर्मल लॉस की यूनिट्स को माइनस करके हम निकाल लेंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट या एनसीबीयू इसके बाद में इसका जो भी आउटपुट होगा वो अगली प्रोसेस में चला जाएगा फिर वो अगली प्रोसेस का इनपुट बनेगा फिर उससे अगली प्रोसेस फिर अगली प्रोसेस लास्ट प्रोसेस में ये फिनिश्ड गुड्स बन जाएगा जिसे हम फिनिश्ड गुड्स स्टॉक अकाउंट में या फिर बिकने के लिए पी एंड एल अकाउंट में भेज देते हैं इसके अलावा आपके पास आ सकता है एबनॉर्मल गेन या, या लॉस लॉस का मतलब है जितनी हमारी स्क्रैप यूनिट होनी थी उससे ज्यादा लॉस हुआ है और गेन का मतलब है जितनी हमारी स्क्रैप यूनिट होनी थी उससे कम स्क्रैप हुई है कम स्क्रैप होगा तो गेन हो जाएगा अदरवाइज आपका एबनॉर्मल लॉस हो जाएगा इसके अंदर अब हमारा जो फिनिश गुड्स होगा जो हमारा गेन या लॉस होगा उसे हम एनसीपीयू से वैल्यूट कर देंगे जैसे एनसीपी पांच से गेन है तो पांच रुपए पर यूनिट से वैल्यूएट करेंगे इसके बाद एग्जामिनर कई बार तो सिर्फ प्रोसेस अकाउंट मांगता है कई बार आपसे कहते हैं नॉर्मल लॉस लॉस और गेन अकाउंट ही बनाने हैं तो नॉर्मल लॉस के अंदर बड़ा सिंपल सा रहता है टू साइड में हर प्रोसेस का नॉर्मल लॉस लिख लो कितना है अब जितना भी नॉर्मल लॉस है उसको हम बाई साइड में कैश में बेच देंगे ठीक है अगर कोई एबनॉर्मल लॉस हुआ है तो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में लिखेंगे कि भाई हमारा एबनॉर्मल लॉस इतना है और एबनॉर्मल लॉस को भी कैश में बेचेंगे स्क्रैप के रेट से स्क्रैप के रेट से बेचेंगे बाकी बैलेंसिंग फिगर हमारा पीएड एल में चला जाएगा और अगर एबनॉर्मल गेन है तो गेन में बाई साइड में लिखेंगे कि भाई कितना गेन हुआ टू में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लिख देंगे स्क्रैप के रेट से

तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम यहां पर दिखा देंगे और सेम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एबनॉर्मल गेन अकाउंट में भी दिखा दी जाएगी इसके बाद में यहां पर हम जो लास्ट प्रोसेस होगी बिकने के लिए सामान ले आएंगे बाई साइड में बेच देंगे गेन आ जाएगा लॉस आ जाएगा कोई सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एडमिन एक्सपेंस है तो वो डेबिट करेंगे और प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन है नॉर्मल प्रोसेस अकाउंट का क्वेश्चन आपको ऐसा दिखेगा एक पूरी कहानी आपको बताएगा कि हमारे पास तीन प्रोसेस हैं ए बी सी फिर यहां पर बताएगा कि प्रोसेस का आउटपुट कितना कितना है तो प्रोसेस प्रोसेस ए का आउटपुट बी में जाएगा बी का आउटपुट सी में जाएगा और सी का आउटपुट फिनिश गुड्स बन जाएगा इसे पी एंडल में आप लिखने के लिए भी भेज सकते हैं और फिनिश गुड्स स्टॉक में भेज सकते हैं यहां पर नॉर्मल लॉस आपको बता दिया जाएगा कि नॉर्मल लॉस की परसेंटेज इतनी इतनी है अब क्वेश्चन ने कहा जो वेस्टेज ए की है वो पच्चीस पैसे पे बी की पचास पैसे पे सी की एक रुपए पे बिक जाएगी तो येगा दस हजार यूनिट हमने प्रोसेस ए में इंट्रोड्यूस की है एक जाएगा प्रोसेस ए में दस हजार यूनिट यहां पर आ जाएंगी दस हजार रुपए की इसके बाद में प्रोसेस ए में और कुछ खर्चे भी हुए हैं वो सारे खर्चे यहां पर डिट्टो आ जाएंगे आगे भी खर्चे ठीक है टू में हमने खर्चे लिख दिए अब लॉस कितना होना था तीन परसेंट तो नॉर्मल लॉस दस हजार यूनिट का तीन परसेंट तीन सौ यूनिट हो गया बिकने का रेट क्या है पच्चीस पैसे पच्चीस पैसे से बेच दिया आउटपुट कितना आया है आपके पास नाइनटी फाइव हंड्रेड तो आपके पास दस हजार में से तीन सौ यूनिट स्क्रैप हुई नाइनटी फाइव हंड्रेड का आउटपुट आया तो दो सौ यूनिट अभी भी बच गई वो हमारा एब लॉस हो गया अब हमें एनसीपीयू निकालना पड़ेगा एनसीपीयू कैसे निकालेंगे यहां की कॉस्ट लीजिए इसमें से स्क्रैप माइनस करिए ये आ गया कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिनोमिनेटर में टोटल यूनिट में से नॉर्मल लॉस यूनिट माइनस करिए 1.75 का रेट आ गया इस 1.75 से जो आउटपुट है और जो लॉस है उसको वैल्यूट कर दिया जाएगा ठीक है अब ये जो सामान था ये प्रोसेस बी में पहुंच जाएगा पहुंचा प्रोसेस बी में फिर प्रोसेस बी के अपने कुछ खर्चे हैं वो आ गए ये अपने खर्चे आ गए प्रोसेस बी के इसके बाद में प्रोसेस बी में पांच परसेंट लॉस होना था इनपुट का इनपुट का पांच परसेंट लॉस हुआ पचास पैसे का रेट है उसे बेच दिया अब एनसीपी निकालेंगे तो एनसीपी में ये हमारी टोटल कॉस्ट आ गई इसमें से नॉर्मल लॉस का स्क्रैप माइनस किया डिनोमिनेटर में 9, यूनिट माइनस तीन रुपए पर यूनिट आ गया तीन रुपए पर यूनिट से जो भी आपका फिनिश्ड आउटपुट है वो वैल्यूड होगा अब हम देखेंगे गेन है या लॉस है तो नाइनटी फाइव हंड्रेड यूनिट यहां पर है यहां पर आपकी आ रही है नाइन फाइव सेवन फाइव यूनिट तो पिछहत्तर यूनिट फालतू आ रही है वो एबनॉर्मल गेन हो गया इसी तीन रुपए पर यूनिट से एबनॉर्मल गेन को वैल्यूट कर देंगे अब जो प्रोसेस बी का आउटपुट है वो सी में चला जाएगा ये सी में आ गया इसके जो खर्चे थे वो खर्चे लिख लिए जाएंगे ये खर्चे यहां पर आ गए आपके पास फिर नॉर्मल लॉस लिख लिया आउटपुट आपने देखा कि कितना है उस आउटपुट को आप पी एंड एल में भेज सकते हो बिकने के लिए और आप इसको फिनिश्ड गुड्स स्टॉक अकाउंट में ही भेज सकते हो ये डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन ने आपको इसके बिकने का रेट बताया है या नहीं तो क्वेश्चन ने यहाँ पर बोला था सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसिव साठ सौ पचास है और तो सेल वैल्यू पर यूनिट छह रुपए से इसको हम बेच देंगे तो इसका मतलब ये लास्ट में बिक जाएगा बिकने का रेट दिया है तो पी एंड एल में ले जाओ बिकने का रेट नहीं दिया तो फिनिश गुड्स स्टॉक में ले जाओ ठीक है अब यूनिट चेक कर ली भाई यहाँ की नाइनटी वन हंड्रेड है यहाँ की आ रही है एट एट टू एट तो जो डिफरेंशियल यूनिट है वो एब नॉर्मल लॉस हो गया वो भी एनसीपीयू से वैल्यूड हो जाएगा ठीक है अब हमें इसके बाद में नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन अकाउंट बनाना है तो नॉर्मल लॉस में सबसे पहले क्या करो नॉर्मल लॉस में ये 300 यूनिट पिछहत्तर से चार सौ पिछहत्तर तीन सौ अड़तीस और सात सौ अट्ठाइस सात सौ अट्ठाइस रुपए से ले आओ ये आ गई जी यहां पर यूनिट जिस जिस प्रोसेस में एबनॉर्मल लॉस है उसमें तो पूरा बेच दो तो ए और सी में एबनॉर्मल लॉस था तो ए और सी का तो तीन सौ सात सौ अट्ठाईस यूनिट बिक गई बी के अंदर एबनॉर्मल गेन था कितनी यूनिट का पिछहत्तर यूनिट का तो चार सौ पिछहत्तर का आपका स्क्रैप है नॉर्मल लॉस का पिछहत्तर का गेन हो गया तो सिर्फ चार सौ ही बेच पाओगे सिर्फ चार सौ बेच पाओगे बाकी पिछहत्तर यूनिट एबनॉर्मल गेन से आपको एडजस्ट करनी होंगी तो यहां पर आपके पास चार सौ यूनिट बेच दी पिछहत्तर यूनिट एबनॉर्मल गेन से एडजस्ट हो गई ठीक है अब एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में क्या करना है एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में प्रोसेस ए में जो लॉस हुआ वो उठाओ प्रोसेस सी में जो लॉस हुआ उसे उठाओ ये ले लिया हमने इसको स्क्रैप इस के रेट से पच्चीस पैसे और एक रुपए का, का रेट था बेच दो बाकी बैलेंसिंग फिगर आपकी कॉस्टिंग पी एंड एल में चली जाएगी ऐसे ही अब एबनौर्मल गेन एबनौर्मल गेन को उठा के लाओ ये पिछहत्तर यूनिट थी दो सौ पच्चीस की यहां पर आ गई इसका स्क्रैप इस का क्या रेट था पचास पैसे तो पचास पैसे का जो स्क्रैप का रेट था वो नॉर्मल लॉस से एडजस्ट करो बाकी बैलेंसिंग फिगर पी एंड एल में आ गई अब यहाँ पर पोस्टिंग एंड एल के अंदर प्रोसेस सी से जो आया उसे लीजिए सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन लॉस गेन बाई साइड में सेल दिखाइए और प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा तो ये पूरा फुल फ्लैश क्वेश्चन होता है पूरा फुल फ्लैश ऐसे ही पूछता नहीं है वो आपसे प्रोसेस वन या प्रोसेस टू ऐसे एक दो चीजें पूछेगा पांच नंबर दे देगा दे पूरा फुल फ्लैश पूछेगा तो भी दो प्रोसेस से ऊपर नहीं देगा तीन प्रोसेस कभी नहीं देता दो प्रोसेस देगा और आपसे एक दो अकाउंट बनवा के काम खत्म कर देगा ठीक है अब हमारे पास ठीक <laughs> है इसके बाद में हमारा क्वेश्चन है, है।, है।, है, है पर ये एग्जाम में चार से पांच बार पूछा जा चुका है इसमें दो प्रोसेस रहती है सेम टू सेम क्वेश्चन चलेगा दो प्रोसेस पर ठीक है जी अब हमारे प्रोसेस वन में सेवेंटी फाइव हंड्रेड यूनिट आई साठ रुपए से यह जाएगा टू मेटेरियल इंट्रोड्यूस्ड इसके बाद में हमारे पास डायरेक्ट वेजेज डायरेक्ट एक्सपेंस ये आ गए डायरेक्ट वेजेज डायरेक्ट एक्सपेंस मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड ये आ गए हमारे पास ये तीनों चीजें निकल कर आ गई तो ये हम टू में लिख लेंगे पहले सेवेंटी फाइव हंड्रेड यूनिट डायरेक्ट वेजेज डायरेक्ट एक्सपेंस ओवरहेड ये आ गए ठीक है अब क्वेश्चन यहाँ पर आपको बता रहा है नॉर्मल लॉस फाइव परसेंट है तो सेवेंटी फाइव हंड्रेड यूनिट का फाइव परसेंट नॉर्मल लॉस हुआ और ट्वेल्व पॉइंट फाइव जीरो के रेट से बिकेगा तो यहाँ पर नॉर्मल लॉस आ गया ट्वेल्व पॉइंट फाइव जीरो के रेट से बिक गया एनसीपी निकालिए

सेकंड प्रोसेस का अपना मटेरियल लेबर ओवरहेड आ जाएंगे आगे जी, material, labor, आ गए जी लेबर ओवरहेड आउटपुट कितना है तो इसका आउटपुट है सिक्स यूनिट और ये फिनिश स्टॉक में ट्रांसफर कर रहे हैं कह रहे हैं आउटपुट या तो अगली प्रोसेस में जाएगा या फिनिश स्टॉक में तो अगली प्रोसेस जो प्रोसेस वन थी उसने अगली प्रोसेस में भेज दिया प्रोसेस टू लास्ट प्रोसेस थी तो फिनिश स्टॉक अकाउंट पे इसको भेज देगा अब ये फिनिश स्टॉक अकाउंट पे हमने भेज दिया अब चेक कर लीजिए लॉस है गेन है क्या है तो यहाँ पर इसका टोटल आ रहा है सेवन टू थ्री जीरो और इनपुट था सेवन थाउजेंड फिफ्टी तो जो एक्सेस यूनिट है वो गेन हमारे पास बन जाएंगी इसके बाद में हमारे पास है फिनिश स्टॉक अकाउंट यहाँ पर कह रहे हैं सिक्स थाउजेंड यूनिट हमने कॉस्ट में पंद्रह परसेंट प्रॉफिट जोड़कर बेची है ठीक है तो आपके पास सिक्स फाइव टू फाइव यूनिट आई थी इसमें से छ हजार यूनिट आप पी एंड एल में भेज देंगे बाकी की यूनिट आपकी क्लोजिंग स्टॉक बन जाएंगी अब पी एंड एल में छह हजार यूनिट आई है एट फोर जीरो टू नाइन सेवन से इनको हमने पंद्रह परसेंट प्रॉफिट जोड़कर बेच दिया जितनी भी कॉस्ट थी उसमें पंद्रह परसेंट जोड़कर बेच दिया गेन और लॉस का जो नेट बैलेंस है वो लिखा और हमारा प्रॉफिट लॉस निकलकर आ गया तो ये है हमारे पास प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर प्रोसेस अकाउंट बिल्कुल सिंपल होते हैं इसके अलावा एक पॉइंट आता है कि अगर किसी क्वेश्चन में रॉयल्टी दी हुई हो और वो प्रोडक्शन से रिलेटेड हो रॉयल्टी अगर प्रोडक्शन से रिलेटेड है तो आपको रोयल जो प्रोसेस अकाउंट है उसके अंदर रॉयल्टी निकालनी है स्टैंडर्ड आउटपुट पर स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर तो रॉयल्टी को आप डेबिट करेंगे स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर अगर रॉयल्टी उससे ज्यादा या कम दी गई है तो वो एबनॉर्मल गेन और लॉस अकाउंट में एडजस्ट की जाएगी एक आता है कई बार बाई प्रोडक्ट के साथ कि भाई बाई प्रोडक्ट दिया हुआ है तो हम बाई प्रोडक्ट का निकालेंगे एनआरवी नेट रियलाइजेबल वैल्यू एनआरवी कैसे निकलेगा बाई प्रोडक्ट का सेल वैल्यू क्या है

तो जैसे आपने स्क्रैप निकाल लिया उसके नीचे बाई प्रोडक्ट का एनआरवी लिख दीजिए कि पचास हजार एनआरवी है और फिर एनसीपीयू एनसीपी जैसे क्वेश्चन करते हैं बिल्कुल वैसे ही बनेगा ये जो इसकी सेल वैल्यू है वो स्क्रैप में जुड़ जाएगी तो हमारे पास जो एनसीपीयू आएगा वो आएगा टोटल कॉस्ट माइनस नॉर्मल लॉस का स्क्रैप माइनस बाई प्रोडक्ट का एनआरवी और डिनोमिनेटर में यूनिट आएंगी टोटल यूनिट में से नॉर्मल लॉस और बाई प्रोडक्ट की यूनिट माइनस कर देंगे तो नॉर्मल लोस और बाइ प्रोडक्ट दोनों यूनिट में माइनस होंगे डिनोमिनेटर में और दोनों की सेल वैल्यू और एनआरबी माइनस होगी ऊपर टोटल कॉस्ट में से बाकी पूरा क्वेश्चन सेम टू तो सेम चलेगा ठीक है एक क्वेश्चन आता है इसके अंदर कि हर प्रोसेस अपना कुछ कुछ हिस्सा आगे बिकने के लिए दे देती है जैसे मान लीजिए ये प्रोसेस वन है प्रोसेस वन प्रोसेस वन के पास सारी कॉस्ट वोड सब कुछ आपने लिख लिया अब इसके बाद में इसका जो आउटपुट है वो एक हजार यूनिट है और इसका एन सी पी यू है पच्चीस रुपए ठीक है तो क्वेश्चन कह देगा कि एक हजार में से हम छह सौ यूनिट तो अगली प्रोसेस में भेज रहे हैं और चार सौ यूनिट बाजार में बेच रहे हैं तो आप क्या करेंगे बाई प्रोसेस टू छह सौ यूनिट पच्चीस रुपए से और बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो भी बिकने वाली चीज होगी उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कॉस्ट पर भेज देंगे अब ये पी एन एल में चली जाएगी अब प्रोसेस टू के अंदर क्या होगा जैसे प्रोसेस टू आ गया हमारे पास प्रोसेस टू के अंदर आपके पास ये 600 यूनिट आएंगे अब फिर इनके खर्चे वर्चे जो भी हैं सब जुड़ जाएंगे अब इसका आउटपुट आया मान लो चार यूनिट अब इन्होंने कहा कि दो हम आगे भेज देंगे और दो सो पीएनएल में चली जाएंगी तो बाई साइड में प्रोसेस थ्री दो यूनिट और बाई पीएनएल दो 200 यूनिट अब मान लो प्रोसेस थ्री आखिरी प्रोसेस है

और प्रोसेस थ्री से भी समान आया है डेढ़ सौ यूनिट उनकी वैल्यू बाई साइड में इन सबको बेच के दिखा देंगे उसके अलावा कोई भी एब्नॉर्मल गेन लॉस है वो लिखिए और नेट प्रॉफिट आपका निकल कर आ जाएगा तो कई बार ये क्वेश्चन आता है लेकिन इसमें भी आईसीआई सिर्फ आपसे प्रोसेस अकाउंट बनवाता है पी एंड एल तक नहीं जाता क्योंकि क्वेश्चन बड़ा हो जाता है वो इतने नंबर आपको नहीं देना चाहते ठीक है जी इसके बाद में हमारे पास आता है इनपुट आउटपुट रेशो एक इनपुट आउटपुट रेशो सिंपल है इनपुट ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइड बाई आउटपुट ऑफ कंप्लीटेड गुड्स इसको कभी पूछा नहीं गया और एक हमारे पास आता है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के अंदर आपके पास क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी दिया हुआ होगा अब क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी के अंदर आपको मेटेरियल लेबर ओवरहेड कुछ परसेंटेज बताई जाएंगी तो ये क्वेश्चन एक प्रोसेस के लिए आएगा सिर्फ एक प्रोसेस के लिए एक प्रोसेस देगा उसका इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनवाएगा उसका स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फिर करवाएगा एक प्रोसेस पे बनवाएगा बहुत ही सिंपल होता है इसके अंदर हमें स्टेप क्या लेने होते हैं आप पहले प्रोसेस अकाउंट बना लीजिए एज यूज जैसे बनाते हैं उसके बाद में इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का स्टेटमेंट बनाएंगे वो कैसा नजर आएगा मटेरियल लेबर ओवरहेड हम लिख लेंगे कितने परसेंट काम हुआ है

इसके बाद में एबनॉर्मल लॉस अगर कोई है तो एबनॉर्मल लॉस की या तो क्वेश्चन परसेंटेज बताएगा वरना वो हंड्रेड परसेंट ले ली जाएगी और अगर एबनॉर्मल गेन है तो माइनस करके दिखाएंगे वो भी हमेशा हंड्रेड परसेंट लिया जाएगा तो इसका सारा गेम चलेगा परसेंटेज का परसेंटेज यहां पर हमने मेंशन की है लॉस की अगर परसेंटेज ना बताए तो हंड्रेड मानो डब्ल्यू की परसेंटेज हमेशा बताएगा अगर नहीं बताता तो हंड्रेड परसेंट मेटेरियल के लिए लेबर ओवरहेड के लिए फिफ्टी परसेंट ले लेते हैं पर आईसीआई हमेशा डब्ल्यू आई टी की परसेंटेज आपको देगा ही देगा उसके अलावा अगर मटेरियल की परसेंटेज के लिए साइलेंट हो मटेरियल के बारे में ना बोले तो मटेरियल की हंड्रेड ली जाएगी तो एबनॉर्मल लॉस की परसेंटेज ना बताए तो हंड्रेड मेटेरियल की परसेंटेज ना बताए तो हंड्रेड अब हमारे पास जो हमेशा मानना ही है हमको फिनिश्ड गुड्स की परसेंटेज हमेशा हंड्रेड होगी एबनॉर्मल गेन की परसेंटेज हमेशा हंड्रेड होगी पिछली प्रोसेस से अगर कोई भी हमारे पास सामान आया है तो हम ये मानेंगे कि पिछली प्रोसेस से हंड्रेड परसेंट कंप्लीट होकर ही आया होगा और नॉर्मल लॉस को हमेशा जीरो परसेंट मानना है तो फिनिश्ड गुड्स एबनॉर्मल गेन और पिछली प्रोसेस से आया हुआ सामान हमेशा हंड्रेड परसेंट होता है और नॉर्मल लॉस आपको हमेशा जीरो परसेंट लेना है इसकी परसेंटेज में बच्चे को कई बार दिक्कत आती है इसके बाद में हम दूसरा स्टेटमेंट बनाते हैं परफॉर्मा ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में हम मेटेरियल लेबर ओवरहेड के खर्चे लिख लेंगे अब जब हम खर्चे लिखते हैं तो एक चीज आती है स्क्रैप के स्क्रैप को आखिर कहां से माइनस किया जाए तो स्क्रैप हमेशा मेटेरियल में से माइनस होगा लेबर ओवरहेड में से नहीं होगा तो स्क्रैप को हमेशा हम मेटेरियल की कॉस्ट में से माइनस करेंगे फिर इक्विवेलेंट यूनिट से डिवाइड करके कॉस्ट पर यूनिट निकाला जाएगा और फिर इनकी वैल्यूएशन कर दी जाएगी प्रोसेस अकाउंट आपका पूरा हो जाएगा अब जरा देखिए इसका क्वेश्चन कैसा नजर आएगा इसका एक ही क्वेश्चन आराम से देखिएगा आपको सब कुछ रिकॉल हो जाएगा कि हाँ ऐसा करते थे सर देखिए सी लिमिटेड मैन्युफैक्चर अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड द डेटा बिलो रेफर टू वन प्रोडक्ट विच गोश थ्रू वन प्रोसेस ओनली कंपनी ऑपरेट थर्टीन फोर वीकली सिस्टम ऐसा वैसा ये सब कर दिया देर वॉज नो ओपनिंग डब्ल्यू आईपी अभी हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो कर रहे हैं जिसमें सिर्फ क्लोजिंग डब्ल्यू आईपी हो ओपनिंग की सिचुएशन में दो मेथड आएंगे उन्हें भी देखेंगे उसके बाद तो हमारे पास कोई ओपनिंग नहीं है तो हम क्या करते हैं क्वेश्चन ने बोला फाइव थाउजेंड यूनिट ऑफ मेटेरियल इनपुट एट टू पॉइंट नाइन फोर पर यूनिट ये हमारे पास मेटेरियल आ गया पांच हजार यूनिट फिर कह रहे हैं फर्दर डायरेक्ट मेटेरियल एडिट कुछ डायरेक्ट मेटेरियल और एड किया है तो ये दो मेटीरियल बन गए एम वन एम टू एक हो गया बेसिक मेटीरियल पांच हजार यूनिट वाला टू पॉइंट दूसरा हो गया फर्दर मेटीरियल टू डायरेक्ट वेंजेज हमारे पास आ गई सिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड हमारे पास आ गए सेवन फोर सेवन जीरो हमें खर्चे दे दिए तो प्रोसेस अकाउंट में पहले हम इनको रख लेंगे यूनिट इंट्रोड्यूस पांच हजार इतने से डायरेक्ट मेटेरियल लेबर प्रोडक्शन ओवरहेड ये आ गए ठीक है अब क्वेश्चन कह रहा है क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी आठ सौ यूनिट है और उसकी परसेंटेज बता रहा है तो क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी आठ सौ यूनिट है कह रहे हैं कि प्रोडक्शन ओवरहेड पच्चीस परसेंट वेलिज फिफ्टी परसेंट डायरेक्ट मटेरियल एडिट पिछहतर परसेंट लिखा है तो क्लियर लिखा हुआ है डायरेक्ट मटेरियल एडिट सेवेंटी फाइव अब हम जाके देखें तो दो मटेरियल है हमारे पास चेक करिए डायरेक्ट मटेरियल मेटेरियल किस में लिखा हुआ है डायरेक्ट मटेरियल एडिट लिखा हुआ है एम टू में इसका मतलब ये एम टू के बारे में बता रहा है एम वन की परसेंटेज तो दी नहीं एम वन की परसेंटेज नहीं दी तो मेटेरियल की अगर परसेंटेज नहीं दी तो हम उसको हमेशा हंड्रेड परसेंट मानते हैं तो यहां पर एम वन हंड्रेड परसेंट हो जाएगा अच्छा इसी क्वेश्चन में अगर ये डायरेक्ट और ये एडिट ना लिखा होता सिर्फ लिखा होता मेटेरियल पिछहतर परसेंट है तो अगर लिखा है मेटेरियल पिछहतर परसेंट तो एम वन एम टू दोनों पिछहत्तर परसेंट हो जाते क्योंकि क्लियर नहीं हो रहा कौन से मेटेरियल की बात कर रहा है अगर ये क्लियर नहीं है कौन से मटेरियल की बात कर रहा है तो सारे मटेरियल एक ही परसेंटेज पर पर लिए जाएंगे लेकिन क्लियर है कि किसकी बात कर रहा है डायरेक्ट मटेरियल यानी की बात कर रहा है तो बचा हुआ जो एम वन है वो हंड्रेड हो गया ठीक है टू सेवेंटी यूनिट वर स्क्रैप्ड इनकी परसेंटेज दी है क्वेश्चन ने बताया है कि नॉर्मल लॉस थ्री परसेंट ऑफ इनपुट है इनपुट कितना है हमारा पांच हजार यूनिट पांच हजार यूनिट का थ्री परसेंट हो गया एक सौ पचास तो तो 150 यूनिट तो नॉर्मल लॉस की है। अब यहां पर 270 यूनिट दिए तो 270 में 150 यूनिट तो नॉर्मल लॉस है, जिसको हम डैश 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 कर, कर देंगे। बच्चा 120 युनिट. 120 यूनिट, यूनिट यूनिट हो गया लॉस। तो 150 नॉर्मल, उसके की है एम वन इसका भी नहीं बताया तो एम वन इसका भी हंड्रेड परसेंट हो गया ठीक है जी अब हम बाई साइड में लिख देंगे नॉर्मल लॉस एक सौ पचास एब नॉर्मल लॉस एक सौ बीस क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी आठ सौ और बचा हुआ फिनिश गुड्स तो नॉर्मल लॉस एक सौ पचास ये एक सौ बीस ये एट हंड्रेड और फिनिश गुड्स बैलेंसिंग फिगर आ गया कि कंप्लीट हो गया होगा इनकी वैल्यू सिर्फ नॉर्मल लॉस की वैल्यू आपको पता होगी कह रहे हैं नॉर्मल लॉस जो भी स्क्रैप होता है वो एक रुपए से बिक जाता है तो नॉर्मल लॉस एक रुपए से बिक गया अब बाकी इन तीनों की वैल्यू हमें अभी नहीं मालूम वो वैल्यू हमें निकालनी है तो हमारा स्टेप वन प्रोसेस अकाउंट बन गया इसमें तीनों फिगर अभी हमारी ब्लैंक रहेंगी अब हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन इसके अंदर हमारे पास ये चारों चीजें आ जाएंगी नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस फिनिश गुड्स और क्लोजिंग डब्ल्यू आईपी ठीक है जी ये लिख लिया नॉर्मल लॉस एब नॉर्मल फिनिश गुड्स डब्ल्यू आई पी हमारे पास एलिमेंट क्या क्या हो गए एम वन एम टू लेबर और ओवरहेड इन सब की परसेंटेज अलग अलग दी हुई है अगर किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज परसेंटेज एक जैसी हो, जैसे लेबर लेबर ओवरहेड ओवरहेड दोनों की मान लो सेम है, तो हमें लेबर, का अलग अलग बनाने की नहीं है उतने बनाने पड़ेंगे मैक्सिमम कॉलम जो आपको एग्जाम में मिलेंगे वो चार हो सकते हैं चार से ज्यादा नहीं मिलेंगे मैक्सिमम कॉलम्स है अदर वाइट मटेरियल का एक कॉलम होगा और जनरली लेबर ओवरहेड का एक सेम कॉलम हो जाता है क्योंकि उनकी परसेंटेज सेम दे देता है ठीक है अब नॉर्मल लॉस डैश 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 जो फिनिश गुड्स है वो सब चीजों में 100% क्लोजिंग WIP और एब्नॉर्मल लॉस इन दोनों की परसेंटेज दी हुई है तो क्लोजिंग WIP की परसेंटेज M1 के लिए 100 M2 के लिए 75 लेबर के लिए 50 ओवरहेड के लिए 25 एब नॉर्मलेंटेज एम वन के लिए हंड्रेड एम टू के लिए सिक्सटी सिक्स वेजिज के लिए थर्टी थ्री ओवरहेड के लिए सिक्सटीन पॉइंट सिक्स ये परसेंटेज हमने यहाँ पर रखी और हमारे पास इक्विवेलेंट यूनिट्स निकल कर आ गई कि फोर एट फाइव जीरो सिक्स इसकी फोर थ्री और इसकी फोर वन फाइव जीरो अब हम बनाएंगे इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ कॉस्ट स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में जितने यहाँ पर कॉलम है उतने ही एलिमेंट लिखे जाएंगे तो मेटेरियल वन मेटेरियल टू लेबर और ओवरहेड आ गए ठीक है जी अब जरा देखिए की कॉस्ट कितनी थी यूनिट से यहां हमने प्रोसेस अकाउंट में लिखा था अब मैंने आपको बताया था कि जो स्क्रैप है वो कहां से माइनस होता है स्क्रैप माइनस होता है आपका मेटेरियल में से अब यहां पर ये लड़ाई हो जाएगी कि इसको कौन से मेटेरियल में से माइनस करें क्योंकि मेटेरियल भी दो तो हो गए एम वन और एम टू तो हमेशा एम वन में से माइनस करेंगे स्टडी मैट ने ओपन हैंड आपको दिया है कि अगर दो या तीन मेटेरियल है तो जो सबसे पहला मेटेरियल है उसमें से माइनस कर दो ठीक है जी तो हम फोर्टीन थाउजेंड सेवन हंड्रेड में से माइनस करेंगे 150, इसकी कॉस्ट कॉस्ट आ गई बाकी की कोस्ट हमें गिवन है नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करिए कॉस्ट पर यूनिट निकल जाएगा तो नाइन पॉइंट थ्री जीरो टोटल कॉस्ट निकल आई ठीक है अब हम बनाएंगे इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ इवेल्यूएशन या स्टेटमेंट ऑफ अपोर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट अब खर्चों को बांटेंगे सबसे पहले फिनिश्ड फिनिश गुड्स तो फिनिश के सारे के सारे एलिमेंट थ्री नाइन थ्री जीरो पैसे लगे हैं तो आप इसको सीधे नौ रुपए तीस पैसे से मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि सारे एलिमेंट थ्री नाइन थ्री जीरो यूनिट नाइन पॉइंट थ्री थ्री सिक्स फाइव फोर नाइन आपके पास वन शॉट आ जाएगा अलग अलग दिखाने की जरूरत नहीं है एबनॉर्मल लॉस ऑफ क्लोजिंग डब्ल्यू में आपके पास एम वन एम टू लेबर ओवरहेड की यूनिट्स अलग अलग है यहां पर देखिए यूनिट्स अगर अलग अलग हैं तो अलग अलग मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और अगर यूनिट सेम है सारी तो अलग अलग मत दिखाइए सीधे एक ही बार लिखिए थ्री नाइन थ्री जीरो और मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल दीजिए अब एबनॉर्मल लॉस की एक सौ बीस यूनिट पे मेटेरियल वन है मेटेरियल वन की कीमत तीन रुपए टू की कीमत तीन रुपए लेबर वन पॉइंट फाइव ओवरहेड वन पॉइंट एट तो तीन रुपए तीन रुपए से मल्टीप्लाई किया वैल्यू निकल गई एबनॉर्मल लॉस की सेम क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी की भी थ्री थ्री और वैल्यू निकल कर आ गई अब ये 696, और 36549 यहां पर आप अकाउंट में वैल्यू रखिए और काम खत्म हो जाएगा ये एक सिचुएशन है जब हमारे पास क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी था ठीक है अब अगर हमारे पास ओपनिंग डब्ल्यू आई पी भी हो तो हम क्या करेंगे अगर आपके पास ओपनिंग डब्ल्यू आई पी दिया हुआ है तो दो मेथड आईसीआई ने दिए फीफो और वेटेड एवरेज तो फीफो और वेटेड एवरेज में सारे स्टेटमेंट ऐसे ही बनेंगे बस छोटा छोटा सा फर्क होगा वो क्या फर्क होगा वो देखते हैं देखिए सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन जो आप बनाएंगे तो फीफो मेथड में आप पहले ओपनिंग डब्ल्यू की यूनिट्स को कंप्लीट करेंगे जैसे ओपनिंग डब्ल्यू की मान लो 200 यूनिट है तो पहले इन 200 यूनिट को फिनिश गुड्स बनाइए ठीक है उसके बाद में टोटल फिनिश गुड्स मान लो दो हजार है तो अठारह सौ यूनिट और लेकर उसे भी फिनिश गुड्स बना दो ओके तो फीफो कहता है पहले ओपनिंग डब्ल्यू आई पी को उठाओ ओपनिंग आई पी, उससे फिनिश गुड्स बनाओ फिर करंट यूनिट जो आपने इनपुट की हो उनको फिनिश गुड्स बनाओ उससे नॉर्मल लॉस बनाओ एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन जो भी आ रहा है वो उससे आता रहेगा फीफो मेथड का सिर्फ एक फोकस है कि ओपनिंग डब्ल्यू आईपी को हम फिनिश गुड्स बनाएंगे ठीक है तो जब आप यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में आएंगे तो ओपनिंग डब्ल्यू आई पी कुछ परसेंटेज दी होगी जैसे मेटेरियल लेबर ओवरहेड ओपनिंग डब्ल्यू आई पी में मान लो मेटेरियल हंड्रेड परसेंट लगा हुआ है लेबर सिक्सटी और ओवरहेड फोर्टी ऐसे क्वेश्चन ने दिया है तो स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में आप कहेंगे हम पहले इन दो सौ यूनिट को ले रहे हैं अब बताइए मेटेरियल कितना लग चुका है हंड्रेड तो मेटेरियल कुछ नहीं लगाना ठीक है लेबर कितनी लग चुकी है सिक्सटी तो लेबर फोर्टी परसेंट लगा दो अस्सी यूनिट हो गई दो की अब ओवरहेड कितने लग चुके हैं फोर्टी तो सिक्सटी परसेंट ओवरहेड और लगा दो ये पूरी बन जाएगी एक सौ बीस तो जो काम बचा हुआ है सिर्फ वो काम करना है तो पहले ओपनिंग यूनिट्स पे काम करिए फिर करंट यूनिट्स का जैसे नॉर्मल चलता है वैसे ही चलेगा तो एक स्टेप तो आपको फीफो में ही लेना पड़ेगा यहां पर के ओपनिंग डब्ल्यू आई पी से फिनिश्स बनाओ दूसरा आप क्या करेंगे ओपनिंग डब्ल्यू आई पी की जो भी कॉस्ट है जैसे ओपनिंग डब्ल्यू आई पी की दो सौ यूनिट की कॉस्ट है तीन हजार रुपए तो वो तीन हजार रुपए सीधे यूनिट्स कंप्लीटेड की वैल्यू में जोड़ देंगे तो ओपनिंग डब्ल्यू आईपी फीफो मेथड के अंदर पहले ओपनिंग डब्ल्यू आई पी को कंप्लीटेड फिनिश गुड्स बनाया जाता है और ओपनिंग डब्ल्यू आईपी की जो भी कॉस्ट होती है वो सीधे फिनिश गुड्स में एड कर दी जाती है पहले मैं आपको फीफो का क्वेश्चन दिखाऊंगा फीफो 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 फीफो, फीफो। आ जाओ ये क्वेश्चन देखते हैं फीफो मेथड से

तो ये कंप्लीट हो जाएंगी तो सबसे पहले इन 800 यूनिट को हम कंप्लीट करेंगे ये स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन सबसे पहले ओपनिंग यूनिट 800 है मेटेरियल कुछ भी नहीं लगना लेबर ओवरहेड 40 लगने हैं वो लगा दिए हमने ठीक <coughs> है जी अब इनके जो चार हजार रुपए थे वो कहा जाएंगे चार हजार रुपए स्टेटमेंट ऑफ इवेल्यूएशन में जो कंप्लीटेड यूनिट होंगी उनकी वैल्यू में सीधे जोड़ देंगे तो यहां पर चार हजार रुपए सीधे यहां पर ऐड हो जाएंगे ठीक है अब आगे कहानी बताएगा कह रहे इनपुट ऑफ मटेरियल थर्टी सिक्स एट हंड्रेड रुपीज नाइनटी टू हंड्रेड यूनिट का प्रोडक्शन ओवर बारह सौ यूनिट हुई है स्क्रैप की परसेंटेज दे दी क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी नौ सौ यूनिट है उनकी परसेंटेज दे दी सेवन हंड्रेड यूनिट कंप्लीट हुई है तो 7900 यूनिट कंप्लीट हुई है इसमें 800 तो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी से बनेंगी बची हुई करंट वाली बनेंगी तो आठ तो सौ करंट वाली लेबर ओवर तो सिर्फ एक चीज का फर्क है कि ओपनिंग यूनिट को पहले फिनिश रोट बनाओ बाकी क्वेश्चन जैसे चलता है चलता रहेगा ठीक है अब डब्ल्यू आई पी आ गया हमारे पास नौ सौ यूनिट उसकी परसेंटेज दी हुई है इसके बाद हमारे पास जो स्क्रैप है वो एट परसेंट ऑफ टोटल इनपुट है तो हमारा टोटल इनपुट कितना है आठ सौ यूनिट ओपनिंग और नाइनटी टू हंड्रेड यहां पर आ गई दस हजार दस हजार यूनिट का आठ परसेंट आठ सौ यूनिट हमारा नॉर्मल लॉस हो गया अब यूनिट स्क्रैप कितनी हुई है बारह सो तो इस बारह सो में से आठ सौ तो हो गई नॉर्मल लॉस की जिसको डैश 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 कर देंगे और बची हुई चार सौ यूनिट हो गई नॉर्मल लॉस की उसको को 100, लेबर को लेबर लेबर कर देंगे। लेबर यहां पर दोनों की लिया नॉर्मल लॉस आठ सौ आ गया एबनॉर्मल लॉस चार सौ यूनिट का हो गया इनकी इक्विवेलेंट यूनिट हमारे पास निकलकर आ गई अब हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट के अंदर सबसे पहले मेटेरियल थर्टी सिक्स एट हंड्रेड था का लेबर ओवरहेड तो को जोड़ के भी लिख सकते हो। इनकी डिवाइड करा दो रुपए एक रुपए सात रुपए आ गया ठीक है अब आएगा मुद्दा इवेल्यूएशन का तो इवेल्यूएशन में हमें सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है कि जितनी भी आपकी फिनिश गुड्स की यूनिट है तो फिनिश गुड्स का मेटेरियल सेवेंटी वन पर लेबर ओवरहेड सेवन फोर टू जीरो पर है मेटेरियल चार रुपए और लेबर ओवरहेड तीन रुपए आ गया इसमें ओपनिंग डब्ल्यू आईपी की कॉस्ट को जोड़ दें तो दो जगह पे ध्यान रखना है एक स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में कि ओपनिंग डब्ल्यू आई पी से फिनिश्स बनाएंगे जो भी रिमेनिंग काम होगा बाकी पूरा क्वेश्चन सेम चलेगा और स्टेटमेंट ऑफ इवेल्यूएशन में स्टेटमेंट ऑफ अपोर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट में जहां इनकी वैल्यूएशन की जाएगी ओपनिंग डब्ल्यू आईपी का जो चार हजार रुपये वो सीधे फिनिश गुड्स में जोड़ दिया जाएगा फिर क्लोजिंग डब्ल्यू आईपी एबनॉर्मल लॉस को वैल्यूएट किया वैल्यूएशन आ गई क्वेश्चन खत्म हो गया यह है फीफो के अंदर अब जरा देखिए दूसरा है हमारे पास वेटेड एवरेज ओपनिंग डब्ल्यू आईपी वेटेड एवरेज के साथ कैसे चलेगा तो वेटेड एवरेज क्या कहता है वेटेड एवरेज ओपनिंग डब्ल्यू आई पी आठ सौ यूनिट है ठीक है उसकी ना ये मेटेरियल लेबर ओवरहेड की कॉस्ट बताएंगे आपको मेटेरियल दो हजार का लगा हुआ है लेबर एक हजार है ओवरहेड एक हजार है टोटल चार हजार रुपए कॉस्ट है ठीक है इसके बाद में आपको करंट मटेरियल कॉस्ट लेबर और ओवरहेड कॉस्ट देंगे तो जैसे करंट मटेरियल एक लाख का है लेबर पचास ओवरहेड तीस हजार तो वेटेड एवरेज का मतलब होता है टोटल टोटल कॉस्ट डिवाइड यूनिट तो वेटेड एवरेज क्या करेगा जब मेटेरियल लेबर ओवरहेड को आप स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में लेंगे कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए वो कहेगा मेटेरियल के खर्चे को मेटेरियल में जोड़ दो लेबर के खर्चे को लेबर में जोड़ दो और ओवरहेड के खर्चे को ओवरहेड में जोड़ दो यह हो गया एक लाख दो हजार और यह हो गया, हजार, और ये हो गया वन कहता है बाकी पूरा क्वेश्चन सेम रहेगा तो वेटेड एवरेज में ओपनिंग डब्ल्यू आई पी के जो खर्चे होंगे उनको हम करंट खर्चों में जोड़ देंगे बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना बाकी सेम टू सेम रहेगा देखिए क्वेश्चन कैसे दिखेगा आपको इसका क्वेश्चन इस तरह से आएगा यानी एवरेज आसान है फीफो में फिर भी दो जगह पे काम करना है ओपनिंग यूनिट से पहले फिनिश गुड्स बनाना है तो एक, एक तो वहां पर एडजस्टमेंट हुई दूसरी एडजस्टमेंट फीफो में होगी ओपनिंग डब्लू आई पी की कॉस्ट को फिनिश गुड्स में एड करना है ठीक है तो दो जगह पे फीफो में एडजस्टमेंट हुई ये देखिए फीफो में एक आपका ओपनिंग डब्ल्यू आई पी से फिनिश गुड्स बनेगा यह दिखेगा स्टेटमेंट ऑफ प्रोडक्शन में ठीक है दूसरा ओपनिंग डब्ल्यू आई पी करोगे, यह दिखेगा स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन के अंदर जहां पर आप वैल्यूएशन करोगे तो दो जगह पे एडजस्टमेंट होगी वेटेड एवरेज कहता है सिर्फ एक जगह पे एडजस्टमेंट होगी ओपनिंग डब्ल्यू आई पी की कॉस्ट को मेटेरियल लेबर ओवरहेड में एड कर दो ये कहां पर नजर आएगा आपको स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट के अंदर बाकी कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्वेश्चन दिखाता हूँ कैसे दिखेगा अब बीबीक्यू सेवेंटी वन है ओपनिंग डब्ल्यू आई दो हजार यूनिट है ठीक है जी मेटेरियल लेबर ओवरहेड अस्सी पंद्रह और पैंतालीस है अब हमारे पास करंट पीरियड का खर्चा बता रहे हैं कि मेटेरियल थर्टी एट थाउजेंड यूनिट आया चौदह लाख अस्सी हजार का लेबर थर्टी थ्री लैख फिफ्टी नाइन की और ओवरहेड हैड टेन लैख सेवेंटी सेवन के तो ये क्या कहेगा ये कहेगा ये अस्सी हजार रुपये इसमें जोड़ दो ओके ये पंद्रह हजार रुपए इसमें जोड़ दो और ये पैंतालीस हजार रुपए इसमें जोड़ दो बाकी क्वेश्चन में कुछ करने की जरूरत नहीं है तो वेटेड एवरेज बहुत सिंपल है अब इसके अंदर हमारे पास डब्ल्यू आई पी है दो हजार यूनिट उसकी परसेंटेज बता दी हंड्रेड और एटी हमारे पास यूनिट्स जो कंप्लीट हुई है थर्टी फाइव थाउजेंड हमारा जो नॉर्मल लॉस है वो फाइव परसेंट ऑफ इनपुट है टोटल तो दो हजार और अड़तीस हजार चालीस हजार का पांच परसेंट दो हजार यूनिट का नॉर्मल लॉस हुआ ओके और क्वेश्चन ने बताया तीन हजार यूनिट स्क्रैप हुई है तो दो हजार नॉर्मल लॉस और बाकी एक हजार एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस की परसेंटेज हंड्रेड और एटी आ जाएगी ठीक है अब देखिए आपको क्वेश्चन में कुछ फर्क ही नहीं दिखेगा स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन नॉर्मल लॉस डैश डैश खर्चे थे ये अस्सी पंद्रह और पैंतालीस ये अस्सी पंद्रह और पैंतालीस हम लोग इस बार की मेटेरियल लेबर और ओवरहेड की कॉस्ट में जोड़ देंगे जो स्क्रैप हुआ वो मेटेरियल में से माइनस हो जाएगा इसके बाद में इक्विवेलेंट यूनिट से डिवाइड करिए कॉस्ट पर यूनिट आ गया चालीस दस और तीस बस अब इनकी वैल्यूएशन कर दीजिए काम खत्म तो हमारे पास एवरेज मेथड के अंदर क्वेश्चन आसान रहेगा फीफो के अंदर दो जगह एडजस्टमेंट होगी एग्जाम में आपको बताया जाएगा कि फीफो मेथड लगाना है या फिर वेटेड एवरेज लगाना है कई बार एग्जामिनर नहीं बताता आपको कि कौन सा मेथड लगाना है तो उसको पहचानने का तरीका है वैसे ऐसा कभी होता नहीं है हमेशा एग्जामिनर बताता है पर अगर कभी एग्जामिनर ना बताए तो आपको ध्यान रखना है कि अगर ओपनिंग डब्ल्यू आई पी की परसेंटेज दी हुई है ओपनिंग डब्ल्यू आई पी की मेटेरियल इतना लग चुका है लेबर इतना ओवरहेड इतना तो फीफो लगाना हमेशा और अगर ओपनिंग डब्ल्यू आई पी की परसेंटेज नहीं दी हुई तो एवरेज मेथड लगाना यह कब करना है जब क्वेश्चन आपको नहीं बताए कि कौन सा मेथड अप्लाई करो तो अगर क्वेश्चन आपको बता रहा है फीफो लगाओ वेटेड एवरेज लगाओ तो, तो कोई दिक्कत ही नहीं है लेकिन अगर क्वेश्चन ने आपको ये नहीं बताया कि कौन सा मेथड लगाना है तो आपको सिर्फ एक चीज चेक करनी है कि ओपनिंग की परसेंटेज 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 दी 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 हुई 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 है है या नहीं अगर दी हुई है, तो फीफो, नहीं अगर तो तो एवरेज मेथड लगाएंगे ओके इसके अलावा एक छोटा सा क्वेश्चन इंटर प्रोसेस प्रॉफिट का कभी कभी आ जाता है मेन जो आपको एग्जाम में मिलेगा वो डब्ल्यू आई पी वाला क्वेश्चन ही मिलेगा प्रोसेस का तो इंटर प्रोसेस प्रॉफिट के क्वेश्चन के अंदर आपके पास एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस पर प्रॉफिट जोड़कर सामान ट्रांसफर करेगी तो आपको यहां पर कई बार तीन प्रोसेस तो यहाँ पर बोलेगा कि हम प्रॉफिट जोड़कर अगले प्रोसेस में भेजते हैं इंटर प्रोसेस प्रॉफिट का क्वेश्चन हो जाता है और इसकी प्रेजेंटेशन डिफरेंट है तो ये सात आठ दस अटेम्प्ट कभी कभार एक बार पूछ लिया जाता है जनरली पांच नंबर में आता है बहुत छोटा सा इसमें आप लोग को करना क्या होता है सबसे पहले हम जो प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे उसके अंदर हम तीन कॉलम बनाएंगे टोटल का कॉलम कॉस्ट का कॉलम कॉलम और प्रॉफिट का दोनों साइड में ठीक है अब हमारे पास क्वेश्चन बोल देगा कि ओपनिंग स्टॉक है तो ओपनिंग स्टॉक आ गया सेवेंटी फाइव हंड्रेड डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजी जा गए डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजी जा गए प्राइम कॉस्ट निकल गई इसके बाद में क्वेश्चन यहाँ पर क्या करता है आपको क्वेश्चन कहता है दिस स्टॉक इन प्रोसेस इन तो, तो क्लोजिंग स्टॉक को आप प्राइम कॉस्ट में से माइनस करके भी दिखा सकते हो और चाहो तो बाई साइड में दिखा दो स्टॉक आ, आ, आ गया हमारे पास अब इसके बाद में ओवरहेड जोड़ेंगे ये हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गई तो ओपनिंग स्टॉक लिया मेटेरियल वेजिट लिया प्राइम कॉस्ट आ गई प्राइम कॉस्ट के बाद में क्लोजिंग स्टॉक लिखिए फिर उसके बाद में एड करिए आपका ओवरहेड और आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी ठीक है क्वेश्चन आपको बोलेगा to to 25 transfer price. Transfer price का मतलब यहां पर देखो सेल तो हो नहीं रही एक प्रोसेस दूसरी प्रोसेस को सामान ट्रांसफर कर दिए प्रॉफिट जोड़कर तो यहाँ सेल प्राइस के लिए ट्रांसफर प्राइस लिखा जाता है तो अब ट्रांसफर प्राइस यानी जितने पे ट्रांसफर करना है उसका 25 परसेंट प्रॉफिट है तो उसका 75 परसेंट कॉस्ट होगी तो जितनी भी आपकी कॉस्ट है उसे 75 परसेंट से डिवाइड कर दो अब बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं वो मिस्टेक बताता हूं मैं आपको यहां पर टोटल कॉस्ट आ रही है फोर्टी तो बच्चे 44200 को डिवाइड कर देते हैं 75% से गलत है ध्यान रखिए इसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना है पहले तो आपको पहले क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना होगा अब ये हुई नेट पोस्ट तो 44200 3700 डिवाइडेड बाय 75% तो ट्रांसफर प्राइस आ गया हमारे पास 54000 तो 54000 आपका ट्रांसफर प्राइस हो गया ये आ गया चौवन हजार में हम प्रोसेस टू पे सामान भेजेंगे ठीक है अब जैसे ही आपने सामान लिखा इसके अंदर अब आपका प्रॉफिट आएगा प्रॉफिट कितना पच्चीस परसेंट ट्रांसफर प्राइस का सेवेंटी फाइव परसेंट कॉस्ट हो गई पच्चीस परसेंट आपने इसमें प्रॉफिट जोड़ा है इसका पच्चीस परसेंट आ गया तेरह हजार पांच सौ रुपए ये तेरह हजार पांच सौ प्रोफिट के कॉलम में आपके आ गए टोटल करिए बाई साइड में प्रोसेस टू में भेज दीजिए काम खत्म यह है प्रोसेस वन अकाउंट तो करना क्या है ओपनिंग स्टॉक लो मेटेरियल लो लेबर लो प्राइम कॉस्ट निकालो फिर क्लोजिंग स्टॉक लिख दो उसके बाद ओवरहेड जोड़ के टोटल कॉस्ट लो टोटल कॉस्ट में ध्यान रखना है जो यहां पर दिख रही है उसमें से स्टॉक माइनस करना जरूरी है वरना गलती हो जाएगी स्टॉक माइनस करने के बाद में जो भी ट्रांसफर प्राइस और प्रॉफिट है वो जोड़कर लिख देंगे ठीक है जी ये है प्रोसेस वन का अकाउंट प्रोसेस वन के अकाउंट में कोई दिक्कत नहीं होती प्रोसेस वन ने प्रोसेस टू को प्रॉफिट जोड़कर सामान भेज दिया ठीक है अब जब प्रोसेस टू पे सामान पहुंचेगा ना उसमें प्रॉफिट जुड़ा हुआ पहुंचेगा तो यहां पर देखिए ये जो सामान है प्रोसेस टू पर आप भेज रहे हैं ये प्रॉफिट जुड़ा हुआ पहुंचेगा ये देखिए प्रोसेस टू पर सामान आ गया कॉस्ट है प्रॉफिट है इसमें अब प्रोसेस टू का क्वेश्चन जो ओपनिंग स्टॉक बताएगा इसके अंदर भी प्रॉफिट रिजर्व जुड़ा हुआ होगा इसके अंदर भी लोडिंग जुड़ी हुई होगी तो यहां पर क्वेश्चन इंटर प्रोसेस प्रॉफिट इंक्लूडिंग इन ओपनिंग स्टॉक देता है के ओपनिंग स्टॉक में कितना प्रॉफिट जुड़ा, जुड़ा हुआ है तो नाइन थाउजेंड का स्टॉक पंद्रह सौ का प्रॉफिट है आप अगर देखेंगे प्रोसेस वन में कोई प्रॉफिट नहीं है प्रोसेस वन तो पहला प्रोसेस है जो प्रॉफिट जोड़कर भेज रहा है अब आगे जिसके पास जाएगा उसमें प्रॉफिट जुड़ेगा तो यहां पर आपके पास ओपनिंग स्टॉक नाइन का स्टॉक सेवेंटी फाइव हंड्रेड कॉस्ट है और पंद्रह सौ का प्रॉफिट है अब पूरा प्रोसेस सेम टू का प्रोसेस टू से आ गया जो डायरेक्ट मेटेरियल डायरेक्ट लेबर है टोटल कॉस्ट आ जाएगी अब इसका जो क्लोजिंग स्टॉक है इसका प्रॉफिट आपको निकालना पड़ेगा कैसे निकालेंगे ये आ गई प्राइम कॉस्ट नब्बे हजार इसमें पिछहत्तर हजार की कॉस्ट है और पंद्रह हजार का प्रॉफिट है आपका क्लोजिंग पैंतालीस सौ रुपए तो देखिए कैसे निकलेगा पंद्रह हजार का प्रॉफिट है नब्बे हजार की प्राइम कॉस्ट में तो के स्टॉक में कितना प्रॉफिट होगा पंद्रह हजार डिवाइड बाई नब्बे हजार मल्टीप्लाई पैंतालीस सौ सात सौ पचास रुपए हमारा प्रॉफिट आ गया ये सात सौ पचास का प्रॉफिट आ गया नीचे इसका वर्किंग है तो यहां पर जो प्रोसेस टू है उसके ओपनिंग स्टॉक में भी प्रॉफिट होगा उसके क्लोजिंग स्टॉक में भी प्रॉफिट होगा ठीक है अब इसको हमें ट्रांसफर करना है अगले अकाउंट में उसके लिए क्वेश्चन दिया हुआ है आउटपुट ऑफ प्रोसेस टू इट ट्रांसफर टू फिनिश्ड स्टॉक एट ट्वेंटी परसेंट प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर प्राइस हम बीस परसेंट प्रॉफिट ट्रांसफर प्राइस पे जोड़ के बेचते हैं तो ट्रांसफर प्राइस का बीस परसेंट प्रॉफिट है यानी कॉस्ट कितनी होगी एटी परसेंट अब कॉस्ट में ध्यान रखना है आपको बताइए क्या कि स्टॉक जरूर माइनस करना है अब जरा देखिए क्या करेंगे हम यहां टोटल कॉस्ट आ रही है 40... 94, तो हम क्या करेंगे नाइनटी फोर फाइव हंड्रेड टोटल कॉस्ट आ रही है इसमें से पहले क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे तो हमारी कॉस्ट हो गई नाइनटी थाउजेंड इसको 80 परसेंट से डिवाइड करेंगे तो ट्रांसफर प्राइस आ जाएगा नब्बे हजार डिवाइड बाई एटी परसेंट

ये फिनिश स्टॉक अकाउंट आ गया ठीक है अब फिनिश स्टॉक अकाउंट का खुद का कुछ ओपनिंग स्टॉक है उसके ओपनिंग स्टॉक में कुछ प्रॉफिट जुड़ा हुआ है वो क्वेश्चन खुद बताएगा ठीक है जी तो इसका ओपनिंग स्टॉक आ गया उसमें प्रॉफिट आ गया ये प्रोसेस टू से हमारे पास आ गया ये दोनों चीजें आ गई अब क्वेश्चन बताएगा कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना है और हमने कितने रुपए में सामान को बेचा है ठीक है कह रहे हैं सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड आर वन लैख फोर्टी थाउजेंड एक लाख चालीस हजार में फाइनल सेल हुई है और हमसे कहा गया कि जो फिनिश्ड स्टॉक की वैल्यूएशन है फिनिश्ड स्टॉक इज वैल्यूड एट द प्राइस एट विच इट इज रिसीव फ्रॉम प्रोसेस टू फिनिश्ड स्टॉक में जो भी स्टॉक होगा उसे उस प्राइस पे वैल्यूट करेंगे जितने में प्रोसेस टू से आया है अब फिनिश्ड स्टॉक है कितना ग्यारह दो सौ पचास तो यहां पर आपको ग्यारह दो सौ पचास का फिनिश स्टॉक मिलेगा अब हमें प्रोसेस तो टू से सामान वन वन टू फाइव हंड्रेड पर आया है जिसमें थ्री सिक्स फाइव जीरो का प्रॉफिट इंक्लूडेड है तो थ्री सिक्स सेवन फाइव जीरो का प्रोफिट है 1, 1, 2, टोटल में तो ग्यारह हजार दो सौ पचास के स्टॉक में कितना प्रॉफिट होगा थ्री 3675. 3675 सिक्स आ जाएगा इसकी वर्किंग हुई को एक लाख चालीस हजार में आप बेच दीजिए ये कॉस्टिंग पी एंडल से एक चालीस में बेच दिया बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट आ गया इसका प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर से आएगा ये हमारे पास प्रोसेस का काम खत्म हो गया तो प्रोसेस के अंदर यही चीजें पूछी जा सकती हैं हर तरीके का क्वेश्चन है देखिए मैं आपको बता दूं चैप्टर में आप जाएंगे खुद से पढ़ेंगे तो रिकॉल करना मुश्किल होता है यहां पर आधे एक घंटे में पूरा चैप्टर रिकॉल हो जाता है विद तो आप लोगों को सभी को क्लियर है हाँ जी ये हमारा काम यहां पर खत्म हो गया अब हम इवनिंग में छह बजे देखेंगे आज कौन कौन से चैप्टर करने हैं? मैं नोटिफिकेशन डाल दूंगा कौन कौन से अब ये जो हमने आज हैं अभी हमने करोसेस और एबीसी के जो क्वेश्चन कैलकुलेटर पे करो पर इनके क्वेश्चन करके आपको इवनिंग वाला सेशन लेना है कल आप ये मानकर चलिए कि कल हम लोग पूरे के पूरे कॉस्टिंग का पूरा रिविजन कल एंड हो जाएगा तो कल पूरा रिविजन जाएगा तो हमारे पास मार्जिनल और स्टैंडर्ड हो गया उसके क्वेश्चन आप कर चुके हैं प्रोसेस कोशीट और एपीसी के क्वेश्चन आप करके आइएगा शाम को छह बजे दूसरा सेशन होगा शाम को इवनिंग में छह बजे मैं कोशिश करूंगा कि हल्के चैप्टर्स लें जिससे कि भाई रात का टाइम आपको और बच्चे को क्वेश्चन करने के लिए मिल जाए ठीक है बच्चे भी कह रहे हैं कि रात को थोड़े छोटे चैप्टर ले लेना ले वो देख लेंगे कोई दिक्कत नहीं है तो हम लोग मिलते हैं इवनिंग में छह बजे ओके जी सभी को टाटा बाय बाय